गुड मॉर्निंग आवाज आ रही गुड मॉर्निंग एब्रीवन आज से हम लोग भारतीय संविधान जिसे कई बार हम इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अलग इसके नाम है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके नाम अनेक हैं और आगे चल के आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे नाम अलग अलग क्यों यूज़ करते हैं कि कई बार हम कहते हैं भारतीय संविधान कई बार इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जीएस के बच्चे इसे कहते हैं इंडियन पॉलिटी तो इंडियन पॉलिटी कहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कहिए या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहिए इसका मतलब एक ही है ये पूरा पार्ट हमारा जीएस का भी पूरा सेकंड पार्ट पूरा जीएस में है और अगर आप सिलेबस को देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है यानी राष्ट्रीय आंदोलन के ऐतिहासिक विकास की बात की गई है और इसका एक कारण है जब भी आप संविधान को समझना चाहते हैं जब भी हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो कहा जाता है संविधान को समझने के कई तरीके हैं पहला है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ऐतिहासिक का मतलब है कि कोई भी सामाजिक दस्तावेज जो संविधान हमारा बना वो किन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है जैसे आपका एक इतिहास है आपका इतिहास है कि नहीं है राष्ट्र का ही इतिहास है या आपका भी इतिहास है आपका भी इतिहास है आपका इतिहास है। आपका है? आपका कैसा है गौरवमयी है या थोड़ा गड़बड़ है नहीं मेरे बच्चों का इतिहास हमेशा गौरवमयी ही रहेगा तो कई बार जब इतिहास इतिहास का मतलब कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का इतिहास है व्यक्ति का अतीत है जो भी आपकी स्कूलिंग है कॉलेज है जहाँ से आप पढ़े वो सब आपकी हिस्ट्री है और अब सवाल ये है कि भारत की भी एक हिस्ट्री है इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को लिखा गया है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विशेष महत्व है यानी जिस तरीके से हमारे अंग्रेजों का शासन रहा भारत का विभाजन हुआ जिस तरीके से देसी रियासतों के एकीकरण की समस्या आई अगर उस संदर्भ को हम नहीं समझेंगे तो अब ये नहीं हम जवाब दे पाएंगे कि हमारा संविधान इस प्रकार का क्यों है क्योंकि जब हम संविधान की बात करेंगे तो अमेरिका की बात भी करेंगे ब्रिटेन की बात करेंगे और थोड़ा सा विषय में जब आप कहते हैं जी एस विषय में क्या फ़र्क है तो थोड़ा सा विषय में ज़्यादा सैद्धांतिक ज़्यादा कंपेरेटिव और कुछ स्कॉलर्स के नाम को यूज़ हम करते हैं जो जी में बिल्कुल नहीं करते कितना ही फ़र्क है बाकी दोनों में पढ़ना हमें सैद्धांतिक ही है कॉन्सेपचुअली है इंफॉर्मेटिव नहीं इंफॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में आती है प्राथमिक नहीं होती और इसलिए पहले सिलेबस में दिया गया है अगर आपके पास सभी के पास सिलेबस होगा तो एक बार सिलेबस अच्छे से देखना चाहिए तो पहले आपको दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन का ऐतिहासिक विकास और हमारे यहाँ तो हम सिलेबस में जब इंडियन थिंकर्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा बार बार करते हैं हमारे सिलेबस बड़ा ओवरलैपिंग है और उसके बाद फिर संविधान दिया गया उसके बाद फिर शासन प्रणाली है आपके पूरे जो सेकेंड uh, पेपर का पार्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे और यही आपको सीखना है जी में भी इन ये चीज़ें हैं जी में क्या है आप तो इतिहास अलग से पढ़ना है संविधान अलग से पढ़ना है और ये विषय की ये विषय के किसी भी अभ्यर्थी का अच्छी कला होना चाहिए कि वो इतिहास को संविधान से कैसे जोड़ ले संविधान के इकोनॉमी से इकोनॉमी को सोशलिश्यूज से तो जी के चार पेपर अलग अलग हैं या सब में एक रूपता है अलगाव भी है लेकिन एक इंटरलिंकेज है और जितना बढ़िया आपका इंटरलिंकेज बनता जाता है उतनी अच्छी आपकी समझ बेहतर होती है इसीलिए अगर अपने पूरे आप सिलेबस को देख लीजिएगा सिलेबस कई बार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान यानी हमारे सिलेबस को अगर भारतीय संविधान और राजनीति की बात की जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स अगर संविधान अलग है पॉलिटिक्स अलग है संविधान ये कहता है कि झारखंड में झारखंड में राज्यपाल को एक नए मुख्यमंत्री के नियुक्ति के लिए उनको आमंत्रित करना चाहिए उनको फ्लोर टेस्ट करना चाहिए ये संविधान है लेकिन पॉलिटिक्स क्या है अब इसमें सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगी नहीं कर पाएगी पॉलिटिक्स क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी यूनाइटेड रहेगी या दल बदल हो जाएगा ये पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आ जाना ये पॉलिटिक्स है संविधान नहीं है इंडिया गठबंधन का एक साथ आ जाना ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स का सीधा सा मतलब क्या होता है पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जिसका विषय राज्य सरकार से हो ये पॉलिटिक्स का संकीर्ण मतलब होता है कोई भी ऐसा अध्ययन जब हम शब्दों का प्रयोग करते थे कि इस शब्द को बड़ी बारीकी से देखते हैं शब्दों को हड़बड़ी में नहीं पढ़ते जैसे कहते हैं इंग्लिश में रीड बिटवीन द लाइन्स तो जब कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स तो स्वाभाविक रूप में बिना पॉलिटिक्स के तुम्हारा तो काम चलता नहीं और कई बार आप भी कहते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई तो जब आपके साथ पॉलिटिक्स होती है तो वो थोड़ा अलग किस्म की पॉलिटिक्स है आप जब भी कहते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई तो इसका मतलब है कि आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ थोड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई हमारे साथ कॉन्स्पेरेसी हो गई हमारे साथ थोड़ी ठगी हो गई आप पॉलिटिक्स को इस रूप में मित्रते हैं हम पॉलिटिक्स का संकीर्ण रूप क्या मानते हैं कोई भी ऐसा विषय जिसका संबंध राज्य सरकार के साथ हो वो पॉलिटिक्स है लेकिन पॉलिटिक्स का बड़ा मतलब क्या है कोई भी ऐसी गतिविधि जहाँ आपस में सत्ता संघर्ष हो शक्ति का संघर्ष हो पॉलिटिक्स है तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं इसका मतलब है पॉलिटिक्स घर से ही शुरू होती है अगर आप, आप दो रूममेट हैं और पॉलिटिक्स कहाँ शुरू होती है कि सुबह चाय कौन बनाएगा ये पॉलिटिक्स है जिसने जिससे चाय बनवा ली आप समझ लीजिए उसने उस पर पॉलिटिक्स का प्रयोग किया और हम पॉलिटिक्स ऐसे करते हैं भाई ये तो नहीं कहेंगे अपने रूममेट से चाय बनाओ हम क्या कहेंगे अब तुम्हारे हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती है ऐसी चाय तो एम चाय वाला भी नहीं बना पाता ये पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में करते क्या है एक आप याद रखिए दूसरे के व्यवहार को बदलते हैं लेकिन उद्देश्य क्या होता है अपनी भलाई वो हम जाहिर नहीं होने देते वो हिडन रखते हैं तो कई तरीके अपनाते हैं कई बार और पॉलिटिक्स का मतलब क्या है आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि अपने काम कैसे निकाले जाएं दूसरे को मना कर कहीं पैसा वैसा देकर कोई भी तरीका अपनाइए तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि समाज जहाँ है वहाँ संघर्ष होगा संघर्ष है तो संघर्ष को ऐसे ही छोड़ दिया जाए संघर्ष से भाग लिया जाए या संघर्ष का समाधान किया जाए जीवन में संघर्ष तो है आप भी संघर्ष देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं कैसा संघर्ष आपके सामने संघर्ष ही तो है मकान मालिक किराएदार का संघर्ष चल रहा है मैं संघर्ष की बात कर रहा हूँ हिंसा की बात नहीं जीवन ही संघर्ष है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इस एज में खूब झगड़ा होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में पेरेंट्स की आकांक्षाएं कुछ अलग होती हैं बच्चों के कॉन्फ्लिक इंटरेस्ट अलग होते हैं पेरेंट्स बार बार कहते हैं रहे भाई जल्दी सिलेक्शन कर लो मुझे शादी विवाह करना है बच्चे कहते हैं आपको शादी विवाह लगी हुई है मुझे अपने करियर की चिंता है उनका नज़रिया अलग है और आपका नज़रिया अलग है संघर्ष का मूल कारण क्या है नजरिए का अंतर होना संघर्ष का मूल कारण यह है संसाधन कम होने भाई पिता के पास थोड़ा ही पैसा है तीन बच्चों को देना है तो उसके लिए संघर्ष ही तो है तीन बच्चे सोच रहे हैं हम कितना ज़्यादा ज़्यादा ले लें पिता को उसमें बांटना है लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल संघर्ष ही लाइफ है तो संघर्ष के दो तीन परिणाम होते हैं संघर्ष बड़े लोग भावनात्मक हो जाते हैं अरे ये काम की नहीं दुनिया में कई बार लोग संघर्ष को देख के बार बार पीछे भागते हैं पलायनवाद की प्रवृत्ति आती है लेकिन सवाल यह है जहां भी जाएंगे वही संघर्ष है इसे संघर्ष आप छोड़ के भाग नहीं सकते पहला और दूसरा एक ऐसी दुनिया कल्पना करें जहाँ संघर्ष ही ना हो कहीं से दुनिया कल्पना करे है तो नहीं कल्पना कर सकते हैं ना कि एक ऐसे गगन के तले जहाँ प्यार ही प्यार पले वो कल्पना है और वो रोमांस अगर किसी के साथ है भी दो चार महीने दो चार साल से ज़्यादा नहीं चलता वो फिल्मों में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कोई ऐसा आइडियल कंडीशन है इसे एक बात आप याद रखिएगा ना तो आप संघर्ष छोड़ के भाग सकते हैं स्केप आपके पास ऑप्शन नहीं है और न संघर्ष के बिना दुनिया में रह सकते हैं वो कल्पना की दुनिया तो होगी गांधी बाबा ने कल्पना की थी राम राज्य गांधी ने यही तो कल्पना की थी राम राज्य आएगा इन दैहिक दैविक भौतिक तापा यही तो गांधी राम राज्य कल्पना थी राम राज्य दुख का होने व्यापा यहां तो दुख ही दुख है गांधी बाबा कहा करते थे ना दैहिक दुख होगा न, न भौतिक दुख होगा यहाँ दुख है या दुख से पर्याप्त है इसलिए आप याद रखिए दोस्तों हमें संघर्ष का समाधान है यह पॉलिटिक्स है अब संविधान क्या है तो संघर्ष के कई स्तर हो सकते हैं व्यक्ति के व्यक्ति बीच में हो यह भी संघर्ष है बीजेपी कांग्रेस के बीच में हो यह भी संघर्ष है अच्छा बीजेपी कांग्रेस के बीच में संघर्ष चल रहा है या वार चल रहा है संघर्ष पॉलिटिक्स ऐसा नाम है संघर्ष का तो संघर्ष है तो संघर्ष में स्वाभाविक रूप में संघर्ष होता क्यों है हमें ज्यादा से ज्यादा मिले तो सवाल है संघर्ष कोई रूपरेखा होनी चाहिए संघर्ष असीमित कर दिया जाए भाई जीवन में संघर्ष है तो हमने स्वीकार कर लिया व्यक्ति व्यक्ति के बीच में दल के बीच में राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में भारत चीन के बीच में भारत चीन के बीच में संघर्ष तो है तो संघर्ष का समाधान अगर किया जाए संघर्ष को कैसे सीमित किया जाए इसी का तरीका है कुछ नियम बना दिए जाएं जाए समाज में तो तय है कि जहां भी, भी है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जहां भी हम संघर्ष रहेगा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो आप याद रखिए वॉर नहीं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब बिगड़ जाता है तो होता है वॉर तो जब संघर्ष रहेगा तो स्वाभाविक रूप में हो दल के बीच में हो सकता है व्यक्ति बीच में हो सकता है राष्ट्र के बीच में हो सकता है उस संघर्ष का समाधान कैसे किया जाए रेजोल्यूशन कैसे किया जाए उस शक्ति को उस संघर्ष का समाधान किया कैसे जाए इसको कैसे रिजोल्व किया जाए इसको कैसे हल किया जाए यही तो पॉलिटिक्स है इसे पॉलिटिक्स का व्यक्ति भावनात्मक नहीं होता अगर जहां संघर्ष है जीवन में उसको हमेशा तैयार होते हैं कि उसका समाधान संभव है इसलिए अगर यह संघर्ष है तो समाधान है तो समाधान के लिए क्या किया जाए सरकार का निर्माण कर दिया जाए घर में संघर्ष होता है तो उसके तो अलग अलग तरीके हम बना लेते हैं कि एक कन्वेंशन है रूल है उसको फॉलो कर लेते हैं लेकिन आज तक के मानवीय समाज के संघर्ष के समाधान के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या अपनाया गया सरकार आप किसी भी ऐसे की कल्पना नहीं कर सकते जहां सरकार ना हो वैसे भी सोच के देखिए जिसे हम सरकार कहते हैं वह राज्य का व्यवहारिक रूप है इसका मतलब है कि अगर हमें हमें कल्पना करें क्या सरकार के बिना जीवन होगा तो वो है लगभग न के बराबर सरकार के बिना जीवन नहीं होगा और जहां सरकार नहीं होगी फिर वहां तो व्यक्ति की जान भी बच पाए ये भी निश्चित नहीं है इसलिए सरकार चाहिए सरकार का मतलब है सरकार का मतलब क्या है पुलिस सरकार का मतलब क्या है सेना सरकार का मतलब क्या है विवाद निवारण तंत्र डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म सरकार का मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है और एक जमाना था जब एक व्यक्ति ही सरकार हो जाता था वह राजा महाराजा क्या थे सरकारी जो थे अगर हम प्राचीन थे अतीत को याद करें तो एक समय था जब एक व्यक्ति ही दावा करता था कि वही सरकार है वही जो कह देगा वही नियम होगा इसलिए महाराज अकबर थे वो सरकार थे तो सवाल ये है अगर व्यक्ति को ही सरकार बना दिया जाए और पहले ऐसा समय था कि जब व्यक्ति ही सरकार के रूप में काम करता था और सरकार का मतलब क्या है कि जो कुछ नियम बना दे नियम बना दे का मतलब है विधि बना दे सरकार करती क्या है कुछ नियम बना देती है कुछ लॉ बना देगी अब सरकार अगर कुछ लॉ बना देगी उस लॉ को क्रियान्वित करने के लिए इसलिए आप देखेंगे सरकार में कहीं ना कहीं विधि निर्माण की संस्था आ जाती है विधि बना देगी उस विधि को क्रियान्वित करने के लिए पुलिस प्रशासन का निर्माण कर देगी और अब पुलिस हो गया प्रशासन हो गया और विधि का निर्माण हो गया लेकिन अगर समाज में आपस में विवाद हुआ तो उसके लिए हमें अंपायर का निर्माण भी कर देते हैं उसके लिए हमें जस्टिस चंचूड़ का निर्माण कर रखा है इसका मतलब है समाज में संघर्ष के समाधान तो के इंस्ट्रूमेंट तो अलग अलग हैं हमारे यहाँ समाज में संघर्ष के समाधान के लिए क्या है कई बार ताऊ भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं संघर्ष का समाधान करते हैं कई बार तो ऐसा कम होता है लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ क्लास में ही बच्चे लड़ पड़े तो टीचर भी संघर्ष के समाधान के लिए आता है फैक्ट्री का मालिक वो भी संघर्ष के समाधान के लिए आता है संघर्ष के समाधान कई स्तर हो सकते हैं लेकिन आप याद रखिए हमें थोड़ा शक्तिशाली स्तर चाहिए कई बार संघर्ष का समाधान बाबा महात्मा भी करते हैं लोग जाते हैं कि रेजोल्यूशन के लिए कि बाबा बताओ बड़ा झगड़ा चल रहा है घर में कलह शांति इसके समाधान के लिए किसके पास जाए बाबा एक्स जेड। <laughs> तो अब सवाल है कि बाबा समाधान कर देंगे इस बात में डाउट है इसलिए मानवता ने का ये मानव मानवीय सभ्यता के विकास में ये तय किया गया कि इस संघर्ष के समाधान के लिए कैसी संस्था होनी चाहिए जिसके पास शक्ति हो बल हो केवल नैतिकता न हो इसलिए आप याद रखिए पुलिस की बात लोग ज़्यादा मानते हैं या घर के बड़े बुजुर्ग की? आपके माता पिता कह रहे हैं बच्चे आ जाओ ठंडी का समय है मकर संक्रांति में खूब लड्डू बना रखा है अरे आके खा तो जाओ आपको ना ना पीटी एग्ज़ाम है पीटी एग्जाम है घर के लोग बुलाए नहीं जाओगे शादी में दोस्त बुला रहे कि कहा जाओ भाई शादी है यार, यार पीटी का एग्जाम है मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन का फोन आ जाए तो जाओगे या नहीं जाओगे ऐसा क्यों है यानी सरकार का मतलब जानते हैं शक्ति का सर्वोच्च रूप सरकार का मतलब क्या है शक्ति का सर्वोच्च रूप ये सरकार है सरकार का इसी शक्ति के सर्वोच्च रूप को क्या कहते हैं संप्रभुता सरकार का सीधा मतलब है शक्ति का सर्वोच्च रूप यानी आप याद रखिए सरकार से टकराने की जो भी गलती करेगा वो दो मिनट में निपट जाएगा सरकार से नहीं अब ये देखिए इसमें योगी बाबा कौन है सरकार <laughs> यही योगी बाबा एक समय थे सांसद थे सदन में जाकर रो दिया था अपनी सुरक्षा के लिए सांसद थे रो दिया था कि भाई हमें हमारे ऊपर खतरा है लोग हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते आज बाबा <laughs> और एक बात ये यही आप लोग हैं अभी नगर पुलिस स्टेशन आ जाए अगर सामने कोई पुलिस वाला आ जाए थोड़ा तो बच के निकल लेते हैं यार कौन लफड़ा पैदा करे एक सौ बारह नंबर का आदमी कोई पूछे कि कहां जा रहे हो तो आप बड़े प्रेम से बताते हैं आप जब यही बन जाएंगे तो जिस दिन आपको यूनिफॉर्म मिलेगा तो क्या करेंगे इसलिए बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप तैयारी कर रहे हैं सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं यही पूरे जीवन का संघर्ष है और सरकार बनने का फायदा क्या है देखो इंजीनियर बन जाओ डॉक्टर बन जाओ बहुत बड़े उद्योगपति बन जाओ मेरी शुभकामनाएं हैं लेकिन लठ चलाने के परमिशन किसके पास है पावर किसके पास है पैसा चाहिए पावर चाहिए जीवन में उद्देश्य तय करके रखो अगर पावर चाहिए तो सरकार में जाइए आपको याद रखिए पावर किसके पास है डीएम सीएम और ये सब किसके पार्ट हैं सरकार।, सरकार के पार्ट है ये बात बहुत ध्यान से की जरूरत है इसलिए कई कई लोग कहते हैं कह, कई लोग बिजनेस करते हैं कहते हैं कह, कि हमारे पास इतना पैसा है इतने पैसे हैं हम कह डीएम साहब को देखा है अभी कल कोई मुझसे बात कर रहा था एक डीएम के हाथ में दो हजार कर्मचारियों की भविष्य होता है जो चाहे इधर सुधर कर दे वो और जब वो निकल गया आप याद एक एक जनपद में पता नहीं कितने बिजनेसमैन होते होंगे नाम 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 जानते 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 हैं 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 आप किसी का किसका क्यों जानते हैं जानते है? जानते है? हाथ में लट होता है जिसको चाहे दो मिनट में खोपचे में सीधा अंदर यानी कुंडी खड़काने की आवश्यकता नहीं है सीधा पंदर जाएंगे ये ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों अरे मेरे बच्चों सरकार की ताकत अभी आप जानते नहीं नहीं सरकार का मतलब क्या है संप्रभुता है बल प्रयोग की सर्वोच्च संस्था अरे मेरे बच्चों इस जमीन पे भगवान है वो तो हमने देखा नहीं लेकिन सरकार है वो देखा है इसलिए आप जरा सोच के देखिए मोदी जी कहीं यात्रा होती है पहले मोदी जी आ रहे हैं सरकार जा रहा है और सब सभी सभी सब, 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 सब मोदी मोदी क्यों अल्लाह में जाते हैं सरकार का भय है ये सरकार भय पैदा करती है कोई बड़ा ज्ञानी आदमी आ जाए बताओ टीचर चला जाए कहीं कुछ चला जाए कुछ नहीं होता और कई बार तो हमें तो बच्चे धक्का चलते धक्का मार देते हमने कहा यार ऐसा मत किया करो यार तुम लोग <laughs> तब हमें याद रहता है ओ माई गॉड सरकार की पावर क्या है इसलिए याद रखिए जो सरकार में जाता है उसका स्वभाव ही बदल जाता है आप ही हैं कि सरकार एक इंस्टीट्यूशन है वहा व्यक्ति ही नहीं रह जाता महत्वपूरी व्यवस्था का भाग बन जाता है इसलिए सरकार की आवश्यकता पड़ेगी क्यों संघर्ष का समाधान करना है और सरकार कैसी होनी चाहिए सर्वोच्च या कमजोर जो कमजोर हो सरकार नहीं सरकार कैसी जो लोग व्यवस्था को न बना पाए वो सरकार नहीं जो लोगों के जीवन को नियत न कर पाए वो सरकार नहीं है इसलिए सरकार सर्वोच्च होना चाहिए कई बार सरकार की ताकत को लोग चैलेंज करने का प्रयास करते हैं वही बिश्नोई भाई भी चैलेंज कर रहे हैं कई बार सरकार की ताकत को लोग चैलेंज करने का प्रयास करते हैं मणिपुर में सरकार की ताकत चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है इसका मतलब है इस जमीन पर सरकार से बड़ी कोई भौतिक ताकत नहीं है और ये भौतिक ताकत क्यों है क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष का समाधान करने के लिए ये सरकार बना दी गई तो सरकार की बात नहीं है नई नहीं, नहीं है पहला हाँ ये बात अलग हो सकती है पहले राजा महाराजाओं की सरकार थी आज निर्वाचित सरकारें हैं यानी सरकार की बात नहीं नहीं है पहला तय हो गया सरकार हमेशा से रही है कभी व्यक्ति की आज संस्था की दूसरी बात सरकार शक्ति का संगठित रूप है सरकार का मतलब क्या है जिसके पास संगठित पावर है जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है जिसके पास अनियंत्रित शक्ति है अब एक बात याद रखिए अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित किया जाए या ऐसे छोड़ दिया जाए इसीलिए सरकार की बात को पहली बार अमेरिकन संविधान निर्माताओं के द्वारा ये दुनिया में पहला प्रयोग किया गया अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस पहली बार अमेरिका में एक ऐसा प्रयास किया गया कि सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए यह अपने आप में दुनिया में अनूठी पल थी और घटना है सत्रह सौ की इंजरा सोच के देखिए सरकार दुनिया में हमेशा थी लेकिन पहली बार अमेरिकी संविधान इन माताओं ने ऐसा विचार दिया और ये ब्रिटेन में बिना संविधान के निर्माण की धीरे धीरे आ रहा था इसका मतलब है संविधान बना कहाँ से ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भाई हमने क्या देखा समाज आया समाज आया संघर्ष है संघर्ष के समाधान के लिए हमने क्या स्थापित किया किया सरकार किया अब सरकार बना दिया तो कई बार ऐसा कहा भी जाता है कि हमने तो इस सरकार का मतलब है शक्ति का सर्वोच्च रूप और शक्ति का सर्वोच्च रूप का मतलब है सरकार एक राक्षस है मैं राक्षस का इसकी अनियंत्रित शक्तियां हो जाए ये देखा सरकारें कह रही हैं कि वो नहीं हम कल्याणकारी है कल्याणकारी है लेकिन लोग कहते हैं भाई जिसके पास शक्ति अनियंत्रित रूप में होगी वो तो बड़ी शक्ति का प्रयोग करेगा वो कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है लॉर्ड एक्टन अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग अब विषय में कर सकते हैं जीएस में हम समर नहीं करते ए सी टी ओ एन एक्टन कहा करते थे सत्य भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति निरंकुश तरीके से भ्रष्ट करती है पावर करप्टुट पावर करप्टुटली इसलिए शक्ति भ्रष्ट करती है इसका मतलब जो भी शक्तिशाली बनेगा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो अमेरिकी संविधान माताओं में जेफरसन मेडिसन ने एक नायाब तरीका ढूंढा उनका नहीं भाई हम सरकार की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं क्योंकि सरकार न रहे तो समस्या है सरकार रहे तो समस्या है ध्यान रखने की बात है दवाई न रहे तो समस्या है दवाई रहे दवाई न रहे तो आदमी बिना खाए संकट में आएगा दवाई खा ले तो साइड इफेक्ट होगा पुलिस यानी सरकार न रहे तो सोच के देखिए पुलिस न रहे तो इतने सुरक्षित रूप में जो है क्लास में आप गए आप आ सकते हैं नहीं आ पाएंगे पुलिस समाधान है या समस्या है दोनों है इसलिए आप याद रखिए सरकार रहे तो समस्या क्यों सरकार रहे तो आपकी आजादी सीमित होगी सरकार रहे तो कभी भी सरकार आपको खोजचे में ले सकती है कभी भी आपको दंडित कर सकती है सरकार न रहे तो क्या होगा जीवन ही खतरे में होगा इसलिए अमेरिकी संविधान माताओं का भी एक बीच का रास्ता लेते हैं और ऐसा करते हैं जिनको हम पॉलिटिकल साइंस में जॉन लॉक जैसे विचारों के रूप में पढ़ते हैं उसी का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो अब जब जब इंग्लैंड के विचारक लॉक ने कहा कि में हमें बीच का विकल्प चाहिए सरकार रहे भी लेकिन सरकार निरंकुश न रहे इसे बीच का विकल्प का मतलब है अगर सरकार ही है तो आप याद रखिए एक तरफ सरकार किसकी है अगर सरकार ही होना है तो स्वाभाविक रूप में समस्या कहां पर आ रही है एक तरफ सरकार किसकी है उत्तर कोरिया सरकार ही तो है अब ऐसी सरकार क्या है ये निरंकुश है नॉर्थ कोरिया में क्या है निरंकुश शासन है यानी कोई आजादी नहीं स, न, क्या है जहां व्यक्ति ही सर्वोच्च है कुल मिलाकर यहाँ पे सरकार की सर्वोच्चता है सरकार की शक्तियां असीमित है सरकार की शक्तियां असीमित है अनियंत्रित है इसका मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति दास जैसे रह रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अधिकार का कोई विचार ही नहीं है अब इतना जीएस एस और पोल साइंस में घाव फर्क आ जाता है अगर आप इन बातों को लिख रहे हैं तो लॉक को यूज कर दीजिए जॉन लॉक ऐसा नहीं कि थिंकर में ही मैंने पढ़ा है यही हम विषय में करते हैं जीएस में नहीं करते बाकी विचार सारिक जैसे है अब जॉन लॉक हम थिंकर पढ़ते हैं लेकिन उसको यहाँ अप्लीकेशन करना आप देखिए ये तरीका बताया था जॉन लॉक ने प्रियो किया जयफर्सन मेडिसन ने प्रयोग किया जयफर्सन मेडिसन ने कि देखिए आपके पास एक विकल्प ये है कि जहां सरकार ही सर्वोच्च हो सरकार की सर्वोच्चता के नाम पे कौन हो जाता है व्यक्ति की सर्वोच्चता और आप याद रखिए जहां व्यक्ति सर्वोच्च हो जाएगा जहां व्यक्ति सुप्रीम हो जाएगा वहां बड़ी समस्या आती है चाहे घर में हो चाहे बाहर आप याद रखिए घर में आज़ादी मिली है जब घर से बाहर आप आ गए हैं तब आज़ादी मिली है क्यों घर में ऐसा क्या था जो आजादी को रोक रही थी ताऊ भी तानाशाही है हमारे हर घर में नॉर्थ कोरिया का एक शासक बैठा हुआ है जो हमारी आवागमन को आजादी को पहनावे को नियंत्रित करता रहता है इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये सरकार बनी अब सरकार ही सरकार तो जरूरी है तो भी ये सरकार हमने कैसा राक्षस बना दिया जिसमें सरकार तो बन गई उसने हमारी ही आजादी का सत्यानाश कर दिया यानी कि ऐसा हमने जैसे कहते इंग्लिश में कहते हिंदी में भस्मासुर इंग्लिश में फ्रेंकस्टीन मॉन्स्टर तो एक ऐसा हमने भस्मासुर बना दिया जो हमने बनाया कि हमारी रक्षा करो यानी हमने एक ऐसा चौकीदार रख लिया जिस चौकीदार ने ही मालिक को लूट लिया राज्य क्यों बनाया था राज्य हमने बनाया चौकीदारी के लिए सुरक्षा के लिए न्याय व्यवस्था के लिए लेकिन वो राज्य हमारे ऊपर आक्रामक हो जाएगा ऐसा हमने नहीं सोचा था इसलिए आप देखेंगे ये एक, एक विकल्प ही है जहा सरकार तो है और कहा तो जाता है यहाँ सरकार भी है संविधान भी है क्योंकि किया क्या लोगों ने सरकार को चलाने के लिए दुनिया में संविधान पहली बार लिखा गया अमेरिका में भी इस बात पर आएंगे संविधान का निर्माण आधुनिक इतिहास में अगर पहले किसी देश ने किया तो कहां पे किया गया अमेरिका में आधुनिक दुनिया में किसी भी देश में पहली बार लिखित संविधान अमेरिका में आया वहां फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ तो वहां बाकायदा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया और फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा एक लिखित संविधान तैयार किया गया लेकिन अमेरिकन का लिखित संविधान उत्तर कोरिया से बिल्कुल अलग था अमेरिकन ने कहा संविधान नहीं होना चाहिए संविधान का सीधा मतलब क्या है भाई नियमों का लिखित दस्तावेज विधि का सर्वोच्च दस्तावेज संविधान की सीधी बात क्या कहेंगे केवल विधि का दस्तावेज नहीं सर्वोच्च क्योंकि बी चलाने का भी एक लॉ होता है आपने शिवसेना भी महाराष्ट्र में देखा होगा कि शिवसेना पार्टी में विवाद आया था तो शिवसेना पार्टी का भी अपना संविधान है यानी संविधान का सामान्य मतलब है नियमों का लिखित दस्तावेज इन्फोसिस का संविधान है बी का संविधान है लेकिन जब हम यहां संविधान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वोच्च विधि संविधान दुनिया में हर जगह है लेकिन विधि की सर्वोच्चता नहीं है तो पहली बार ये विचार कौन ला रहा था अमेरिकन अमेरिकन का नहीं संविधान होना पर्याप्त नहीं है क्योंकि दुनिया में संविधान तो कोई भी लिख सकता है तो जेफरसन मेडिसन क्या कहा जेफरसन और मेडिसन जैसे लोगों ने कहा कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की नहीं शब्दों को ध्यान से देखना है संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए और संविधान क्या है सर्वोच्च विधि है इसलिए विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए इसलिए एक बात याद रखिए अभी तो हमने कह दिया डीएम सीएम और पीएम सर्वोच्च होता है पता चला एक सीएम एक खोपचे में गया दूसरे की जाने की तैयारी है ऐसा क्यों हो रहा है अब अभी तो हमने कहा कि सरकार सर्वोच्च है सरकार की शक्तियों को नियंत्रित कर देना इतना कठिन है जितना ऊंट के नाक में नकेल पहना देना आप कभी किसी व्यक्ति से मिलिए जो किसी व्यक्ति को आपने देखा है जिसने ऊंट को बांध रखा है सरकार को नियंत्रित करना इतना कठिन है जितना हाथी को नियंत्रित करना लेकिन मानो क्या कमाल का प्राणी है मानो तो सभी को नियंत्रित करने कला सीख लिया है इसलिए हमने तय किया सरकार को नियंत्रित करेंगे और इतिहास आपको दिला दे दें। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी जेल के पीछे गए हैं बाइडेन ने भी अमेरिका में उनकी भी तैयारी है एक कोर्ट ने जिसने दे दिया है दूसरे ने भी ऐसा निर्णय देने की उसकी बारी है इसका मतलब याद रखिए विधि का सर्वोच्च हो जाना संविधान का सर्वोच्च हो जाना मानवता का इतना बड़ा विचार है जिसको पहली बार अमेरिकी संविधान निर्माता ला रहे थे ये विचार किसी मैंने लिखित संविधानों का पहला मानव संविधान लिखेगा और संविधान लिखकर किसको नीचे करेगा सरकार को और इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पे सरकार शासन करने वाले लोग ये सरकार संविधान के नीचे रहेंगे इसलिए याद रखिए जहां संविधान की सर्वोच्चता रहेगी वहां एक बात याद रखिए संविधान लिखा किसके लिए जाएगा व्यक्तियों ने लिखा मैं संविधान किसने लिखा हमने लिखा ये पहली बार ये भी प्रयोग अपने आप में कमाल का है हर शब्द के अपने आप में अगर आप महत्ता देखेंगे आप कहेंगे सर संविधान हमने लिखा इसमें खास बात क्या होगी खास बात है दुनिया में आज भी कई ऐसे देश हैं जो कहते हैं भैया हमें लिखित संविधान नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वही हमारा संविधान है आज भी दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो धार्मिक ग्रंथों को ही सर्वोच्च विधि मानते हैं अमेरिका संविधान में तो और यह नहीं चलेगा दुनिया में आज भी आप देखेंगे परंपराएं प्रथाएं हावी हैं तो जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका ने संविधान लिखा थी कोई सामान्य घटना नहीं थी ये बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि संविधान का मतलब क्या है विधि का सर्वोच्च होना ही नहीं विधि का मतलब होता है मानव को नियंत्रित करने का सबसे तार्किक तरीका संविधान क्या है तर्क का दस्तावेज है और संविधान बनाया किसने मानव ने तो संविधान ने जब संविधान जब मानव ने बनाया थी ईश्वर बड़ा हुआ या मानव मानव जब संविधान मानव बनाएगा तो सरकार की शक्तियां होगी या मानव की शक्तियां होंगी uh. तो जब सरकार सर्वोच्च होगी तब मानव की शक्तियां घटेंगी और जब संविधान की सर्वोच्चता होगी तो स्वतंत्रता और अधिकार अधिकतम होंगे स्वतंत्रता और अधिकार अधिकतम होंगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसलिए अब आप जरा सोच के देखिए एक संविधान जहां पे पहली बार संविधान बनाने की परिपाटी चली वो तो अमेरिकन थे और जेफरसन मेडिसन ने कहा कि हमें कैसा संविधान बनाए रखना है जहां सरकार की शक्ति को सीमित किया जाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी को आगे बढ़ावा दिया जाए कमाल का विचार था यानी अव्यक्ति की स्वतंत्रता इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका के संविधान में पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई अमेरिका के संविधान इस मामले में कमाल का है फंडामेंटल राइट की बात की गई आगे हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई सरकार को नियंत्रित करने के तमाम तरीके अपनाए गए और सरकार को नियंत्रित करने का जो सबसे बड़ा तरीका अमेरिकन ने कहा अमेरिकन ने कहा देखो भाई सरकार को नियंत्रित करने का तरीका क्या क्या होगा सबसे बड़ा तरीका आप जानते हैं क्या है 2024 को होने वाला चुनाव 2024 को होने वाले चुनावों में यानी ये अमेरिकन ने अमेरिकन ने इसे धन बताया कि सरकार को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए पहले विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका सबकी शक्तियां बांट दो स्पीकर की शक्ति अलग होगी चंद्रचूड़ की शक्ति अलग होगी मोदी जी की शक्ति अलग होगी सबकी शक्तियां बांट दो ये सारा विचार अमेरिकन हमारे सामने लाए जिसका आज का नाम क्या है सेपरेशन ऑफ पावर तो सरकार की शक्ति को सीमित करने का तमाम उपाय लेके चले आए तो उनसे पूछा सेपरेशन ऑफ पावर से बात बन जाएगी उनका देखिए संविधान है ये तो ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर लेकिन समाज में भी सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए उनसे पूछा कि समाज में कैसे सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो उनका तमाम पार्टी बनाओ दबाव समूह बनाओ समाज में पार्टी बनेगी दबाव समूह बनेगी इसलिए आप देखेंगे हमारे सिलेबस में पार्टी का भी उल्लेख है दबाव समूह है समाज में हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कोई पार्टी बना ले दबाव समूह बना ले धरना करे प्रदर्शन करे और सबसे बड़ी बात क्या है निर्वाचन के बाद सरकार को बदलने का अधिकार किसके पास होना चाहिए जनता के पास इसे सरकार है या ट्रस्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग विचार था तीन लोगों का उनका हम ऐसे सरकार बनाएंगे ट्रस्ट बनाएंगे जिसको जब चाहे तब बदल दें इसलिए आप देखेंगे अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने क्या किया एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया और इसलिए संयोग की बात है 2024 एक ऐसा वर्ष है जहां दुनिया में लगभग 50 देशों में चुनाव होने वाले हैं ये भी कमाल की बात है आप जानते चुनाव क्यों होता है आम जनता की सहमत लेने के लिए चुनाव किसका प्रतीक है जनता की सर्वोच्चता का चुनाव किसका प्रतीक है सरकार की जवाबदेही का नहीं जरा सोच के देखिए अब जनता तय करेगी कि सरकार किसकी होगी यहां क्या होता है उत्तर कोरिया में जनता तय करती है कि सरकार कैसी होगी सरकार तय करती है कि जनता का व्यवहार कैसा होगा ये दो मॉडल है इसलिए अमेरिका के देखा देखी दुनिया के तमाम लोगों ने संविधान बना लिया अब भाई अगर अमेरिका ने संविधान बना लिया तो लोगों ने कहा भाई हम भी संविधान बनाएंगे अमेरिका ने संविधान बनाया तो लोगों का हम भी संविधान बनाएंगे तो अमेरिका ने सेपरेशन ऑफ पावर रखा और अमेरिका ने क्या कहा सरकार के ऊपर न्यायपालिका का नियंत्रण होगा और सबसे बड़ा है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण होगा क्योंकि चार साल के बाद सरकार को जनता के सामने जाना पड़ेगा और जनता बताएगी कि आपको सत्ता में रहना है या बाहर जाना है और एक जमाना था जब राजा महाराजा जो हो गया आजीवन जब तक राजा मरेगा नहीं राजा अच्छा हमारे यहाँ जो शासक आते थे उनका शासनकाल कितना जिस जब तक तलवार में दम था तब तक शासन था आज शासन करने के लिए तलवार की शक्ति चाहिए या बटन की शक्ति बटन दबी सरकार बदल गई इसलिए बुलेट से पावर आ रही है बैलेट से कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया ये काम अमेरिकन ने किया ये काम अमेरिका ने किया जहाँ सरकार बना के सरकार को सीमित कर दिया लोगों को फंडामेंटल राइट दिया न्यायिक पुनरावलोकन का विचार दिया यानी और इसलिए आप याद रखिए मैं अमेरिका की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये तो ब्रिटिश परंपरा से अमेरिका से और ब्रिटेन से क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभावित था ब्रिटेन का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी उसके अलावा अगर किसी से हम प्रभावित थे याद रखिए हमारे यहाँ ज़्यादातर संविधान निर्माताओं में अमेरिकी पृष्ठभूमि के लोग थे भारत पर भी आएंगे कि भारत के लिए कॉन्टेक्ट क्या था चुनौतियां क्या थी लेकिन अमेरिका के संविधान निर्माण का हमारे देश पर बहुत प्रभाव है मूल अधिकार अमेरिका से लिखित संविधान अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से यानी कमाल का सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका से यानी अमेरिका के मॉडल को हमने अपना लिया इसलिए जो अमेरिका ने प्रयोग किया तो अमेरिका के मॉडल को अपनाया तो क्या एज इट इज अपना लिया ऐसा नहीं था क्योंकि ये बात ध्यान में रखने की है अब आपसे अगर हम जाएं कि अमेरिका का मॉडल हमने क्यों नहीं अपनाया भारतीय मॉडल में खास बात क्या है भारत में संविधान निर्माण की परिस्थितियाँ क्या है क्योंकि एक तो मॉडल था अमेरिका का दूसरा मॉडल ऐसा था जो कि चलते चलते संविधान बन गया एक मॉडल अमेरिका का था जहाँ अमेरिकन ने बताया कि वह संविधान के सर्वोज था विधि की सर्वोज था सरकार की शक्तियां नीचे रखिए जनता का अधिकार ऊपर रखिए शासन को सीमित रखिए इसी का दूसरा नाम है तो संविधानवाद लेकिन आप याद रखिए अब सवाल है कि आप आपके अगर मर्जी चले तो आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे उत्तर कोरिया के साथ में रहना चाहेंगे यहां रहना चाहेंगे बात को सैद्धांतिक रूप में देखें संप्रभुता का महत्व तो ज्यादा है या स्वतंत्रता का स्वतंत्रता संप्रभुता दोनों में से किसी एक का चयन करना हो किसका चयन करेंगे किसका स्वतंत्रता का संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता रह सकती है दोनों साथ साथ होनी चाहिए एक यही विश्लेषण तो हमेशा तार्किक चाहिए हमेशा रटने का प्रयास नहीं है विचार विमर्श विश्लेषण क्या होगा तो क्या कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे कभी एनसीआरटी वाली किताब पढ़िएगा उसमें जो इलेवेंथ क्लास में ट्वेल्थ बच्चा जो सवाल पूछता है कि हमारा संविधान बीस साल पहले बना होता तो क्या होता हमारा ध्यान ही अब संविधान सभा में कितने मेंबर थे तो आपको याद ही हो जाएगा उस पर बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है हमारा संविधान 20 साल हमारा संविधान जिस रूप में बना उसी रूप में क्यों है विश्लेषण संविधान मैंने पाँच पॉइंट आप देख लिया तो विशेषता है कि भाई संविधान ये, ये 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 अब वो आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा इन्फॉर्मेशन एग्जाम नहीं पूछता विश्लेषण आपने समझा क्या सारी कहानी पढ़ के समझा क्या है इसलिए आप याद रखिए हमारे पास अगर एक ऑप्शन होता तो खास मैं चूज करता आज़ादी लेकिन बिना पुलिस के आज़ादी मिल नहीं पाएगी इसी वो ऑप्शन मेरे पास खत्म हो गया इसलिए मेरे पास ऑप्शन क्या है हमें आज़ादी भी चाहिए और सरकार भी चाहिए तो आज़ादी चाहिए सरकार चाहिए तो हम कहाँ जाएँ उत्तर कोरिया में जाएँ या यहाँ या जाए अभी आप याद रखिए उत्तर कोरिया में एक बच्चे को इसलिए 12 साल की सजा दी गई थी कि वो दक्षिण कोरिया की फिल्म देख रहा था समझिए सा, तारा शासन और हमारे यहां देख रहे हैं बच्चे हमारे यहां क्या करते हैं फिल्म रिलीज हुई नहीं कि पांच रुपए पर फिल्म आ गई मोबाइल में जो मर्जी वो देखो हॉलीवुड की फिल्म देखो बॉलीवुड की फिल्म देखो टॉलीवुड की देखो कोई भी फिल्म देखो क्यों आजादी है इसलिए अगर आजादी का मतलब समझना है संविधानवाद का मतलब समझना है कभी उत्तर कोरिया भी आप जा सकते हैं कोई कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी चलते चलते संविधानवाद समझ आ जाएगा क्योंकि एक जगह जाएंगे अचानक पुलिस पूछ लेगी कहाँ जा रहे हो अगली बार उठेंगे ये कपड़ा कैसा पहन रखा है फिर आगे जाएंगे ये तुम हूं हूं क्यों कर रहे हो आप यार यार कमाल की बात है इतना रिस्ट्रिक्शन इसलिए कई बार तो वहां पे जो थोड़े से अमीर लोग हैं एक अमीर आदमी भी जेट अपना जेट बोट लेके भाग्य दक्षिण कोरिया तीन चार सौ माइल अपना बोट चलाते थे भाग्य दक्षिण कोरिया अरे भाई यानी ये उत्तर कोरिया है या खुला हुआ है, जेल है आप दोस्तों एक ऐसी हवा यहां पे है जहां स्वतंत्रता की ऑक्सीजन महसूस नहीं होती किसकी बदबू महसूस होती है किम जो की जहां पे जाएंगे वहीं पहना क्या है और ऐसा दकी सन्नाटा समाज मिलेगा कभी उत्तर कोरिया जाइए कोई पार्टी नहीं कोई हंगामा नहीं कोई मल्टीप्लेक्स नहीं कोई ब्यूटी पार्लर नहीं बड़ा अजीब सा समाज है यार ऐसा भी कोई राज्य होता है लेकिन अब है इसलिए एक बात याद रखिए तो इसका सीधा मतलब संविधान हो वहां आजादी मिल जाना जरूरी है क्या नहीं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी सेना क्या कमाल की पोजिशन में रहती है पाकिस्तान में संविधान है लेकिन आजादी क्या है आप समझ रहे हैं इमरान खान अच्छा यही हो सितारों का गिरना दोस्तों अब यही भाग्य है वर्ल्ड कप जीता सीधा प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद अच्छा नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान दोनों दोस्त का भविष्य वैसे ही नीचे जा रहा है और दोनों राइजिंग स्टार थे एक समय दोनों राइजिंग स्टार थे और दोनों नीचे गए अब ये कमाल की बात है इसलिए आप याद रखिए पाकिस्तान में क्या है सेना जिसको चाहते इसको चुनाव करवा देती है इससे चुनाव होना लोकतंत्र होने की गारंटी नहीं है पहली बात क्योंकि तो चुनाव अमेरिका में नहीं होता अमेरिका में भी चुनाव हो रहा है पाकिस्तान में भी चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ भी चुनाव होने वाला है चुनाव होना लोकतंत्र होने की गारंटी नहीं है संविधान होना आजादी मिलने की गारंटी है या नहीं है संविधान में आजादी मिल जाए इसकी जरूरी नहीं है हमारे यहां देखे म्यांमार में आफत मचाए हुए भाग भाग के मिजोरम लोग आ रहे हैं सेना का शासन है सेना का शासन है सेना के शासन का मतलब व्यक्ति का निरंकुशता का शासन जहाँ आजादी नहीं मिलेगी और वैसे दुनिया में सब लोगों ने क्या बना लिया है संविधान और आजकल तो दिखावटी के लिए चुनाव भी करवा लेते हैं भाई देखो हम लोकतांत्रिक है चुनाव ना करवा लिया चुनाव भी करवा लिया अब फिर अमेरिका पर आ जाए ये बात तो स्पष्ट इस है इसका मतलब नॉर्थ कोरिया सबने क्या सीखा पढ़ के क्या सीखा बच्चों बताओ धीरज क्यों बोल रहे हो पढ़ के क्या सीखा आओ करके सीखे मैं पढ़ो तो सीखो तो कुछ सीखा क्या नंबर एक संविधान होना आजादी होने गारंटी नहीं है नंबर दो कई बार संप्रभुता स्वतंत्रता का गला दबा देती है ऐसे लिख सकते हैं नहीं नंबर तीन नंबर तीन पढ़ के क्या सीखा कि संविधान होना संविधान होने की सर्वोच्चता गारंटी नहीं है क्योंकि संविधान के नाम पर व्यक्ति ही अपनी शक्तियाँ बढ़ा सकता है और जब व्यक्ति में शक्तियाँ हो जाती हैं व्यक्ति पे कोई लगाम नहीं होगा कभी भी कुछ भी काम कर देगा कभी कुछ लॉ बना देगा कभी कुछ कर देगा आप उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकते इसलिए अगर आपको दास बनना हो तो सबसे अच्छा जगह कहा है रहने की उत्तर कोरिया अगर आपको बिल्कुल आज़ाद होना हो जैसे हमारी फिल्में दुनिया के लोग हैं मैं उसे बहुत प्रभावित होता हूँ कोई कपड़ा पहन लेंगे कुछ भी फिल्म बना देंगे ये क्या है ये की कहाँ कल्चर है और अब को याद और हम हमारे यहाँ के कई लोग हमारे कई लोग यार जाते हैं अमेरिका अब एक प्रोफेसर थे वो एक प्रोफेसर इंजीनियर दो लोग मुझसे मिले जो अमेरिका से आ रहे हैं हमने कहा अमेरिका से आ रहे हो यहाँ तो लोग डंकी रूट पे जाना चाहते हैं किसी भी कीमत पे जाना चाहते हैं अमेरिका में कहा नहीं नहीं थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है मैंने कहा मतलब क्या है उनका थोड़ा ज़्यादा आज़ादी है मतलब अब मुझे और बताओ मतलब बात समझ नहीं आई अरे उन्होंने कहा अब क्या बताऊँ अब उन बच्चों को वहाँ भेजने लायक नहीं है क्योंकि वहाँ बच्चे वहाँ बच्चों को पेरेंट्स कुछ कह ही नहीं सकते और ये हमारे बच्चे सोच रहे होते का सर हमें भेज दे तो वहाँ <laughs> इसलिए अगर हमारे ताऊ अगर वहाँ चले जाए तो एक तो मैं सच घटना बता रहा हूँ कई बार तो आज़ादी यही कल्चरल थोड़ा वेरियंस होता है आज़ादी देख कर कई लोग सफोकेटेड हो जाते हैं एक महिला गई बूढ़ी महिला गई वहाँ पे तो अब इंजीनियर बेटे के साथ गई थी उस महिला ने कहा अरे मेरे बेटे जल्दी लिवा चलो मुझे अपने देश यहाँ नहीं रहना ये मैं देख नहीं सकती <laughs> बच्चे ने कहा अरे माता क्या देख रही हो तुम असली आजादी देखिए हम आज़ादी पढ़ते हैं पढ़ते हैं आजादी प्रयोग कहाँ होती है अमेरिका में कोई किसी को देखता है जो मर्जी वो कपड़े पहनो जहां मर्जी व, जाओ रहो कोई किसी को देखने ही को वहां तो नहीं है अपनी दुनिया है आपकी तो ये अमेरिका ने वैल्यू तैयार की है तो ये अगर अमेरिका इस बात पे दावा करता है कि हम फ्री वर्ल्ड हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है इस बात में बिला वजह की बात तो नहीं है देखिए अगर आपको अमेरिका जैसी सड़कें चाहिए संपन्नता चाहिए तो आप चीन भी जा सकते हैं यू जा सकते हैं सिंगापुर जा सकते हैं आजाद ही नहीं है और हम किस लिए पैदा हुए दोस्तों हम आजाद पैदा हुए थे या बंदरों में पैदा हुए थे आजाद पैदा हुए थे और हमने जंजीरें जकड़ ली लेकिन अब जरा हम देखेंगे अमेरिका में संविधान बना एक संविधान तो मजाक मजाक में बन गया उसका नाम क्या था ब्रिटेन का संविधान मजाक मजाक खेल खेल में बन गया अच्छा ब्रिटेन का संविधान खेल खेल में कैसे बना और कहा भी जाता है एक ऐसा देश जहां संविधान नहीं है फिर भी आजादी है एक ऐसा देश जहां फंडामेंटल राइट का चैप्टर नहीं है लेकिन उससे ज्यादा फंडामेंटल राइट कहीं है नहीं एक ऐसा देश जहां संविधान है ही नहीं है फिर भी देश इतनी व्यवस्थित तौर पर चलता है मतलब ब्रिटेन तो कमाल का देश है ब्रिटेन वासियों ने परंपरा के द्वारा मजाक मजाक में संविधान बना लिया इसलिए अगर आप कभी ब्रिटेन जाइए अमेरिका जाइए तो अमेरिका का संविधान आप जानते हैं कितने में लगभग सात अनुच्छेद अच्छा अनुच्छेदों की गणना आजकल अलग अलग होती है जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं थ्री आर्टिकल है और कई लोग अमेंडमेंट के जोड़ कहते हैं चार सौ है तो हम थ्री नाइन्टी ही मानते हैं अमेरिका के संविधान में सात आर्टिकल है सात अनुच्छेद कितने इतना छोटा संविधान सात आर्टिकल सात आर्टिकल लिखा यानी अमेरिका के संविधान पूछेंगे कहीं गूगल पर जाएंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वन टू थ्री फोर सात आर्टिकल सत्ताईस संविधान संशोधन ऐसे आपको सीरीज में मिल जाएंगे एक बार मैं लंदन गया मजाक कर रहा हूं अरे भाई देखो शायर कहाँ कहाँ चला जाता है शायर कभी जाने की इसलिए देखो कोई शायर होगा यहाँ बैठा हुआ तो क्या कहेगा खैबर के दर्रे से हवा रही है अब ऐसे थोड़ी कहेगा कि मुखर्जिनकर गंदे अल्ले से हवा रही है शायर की सोच थोड़ी बड़ी होती है शायर फिलासफर इसका मतलब कल्पना करके देखो बच्चों अगर आप कभी लंदन जाओ और ये पूछो कि भाई हमें संविधान पढ़ना है और आप कहोगे सर लंदन ही क्यों जाए गूगल में नहीं कर लें तो गूगल में कर लो आज कौन सा गूगल सब बता देता है गूगल में कह लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन टाइप करके देखो उत्तर आएगा सही खोज नहीं है <laughs> क्योंकि संविधान वैसा कोई आर्टिकल वहां ही नहीं है वैसा कोई अब हम कैसे बताएं अमेरिका संविधान तो सात अनुच्छेद है कुछ लोग कहते हैं चलो इक्कीस बाईस अनुच्छेद हैं तेईस अनुच्छेद हैं तो एक एक सेक्शन के अनुच्छेद को मान ले तेईस हो जाएगा वैसे सात संविधान संशोधन कितने लिखित रूप में है वो सब दिखा हुआ है ब्रिटेन में याद रखिए पहले महारानी और महाराजा का शासन था यहाँ के पहले शासन कैसा था राजतंत्र का अमेरिका में बाकायदा संविधान सभा बैठी संविधान सभा ने मिलकर के संविधान बनाया ब्रिटेन में क्या हुआ पहले महारानी का शासन था महाराजा का शासन था लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में शहरी समाज आगे बढ़ा जैसे जैसे ब्रिटेन औद्योगिक हुआ शहरीकृत हुआ जैसे ब्रिटेन में उद्योग बढ़े शहरी बढ़े लोग पढ़े लिख गए इसका मतलब है समाज में एक नया मध्यम वर्ग आया समाज में एक नया मिडिल क्लास आया मध्यम वर्ग आया उस मध्यम वर्ग ने कहा कि महाराजा ये हर जगह वार कर देते हो टैक्स ज्यादा लगा देते हो ये बात ठीक है नहीं हम तुम्हारी शक्तियों को थोड़ा सीमित करना चाहते हैं महाराजा ने कहा नहीं, नहीं ऐसी बात होगी नहीं लोगों का देखो अगर तुम ऐसे भी शक्तियों को अनियंत्रित करोगे तो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा वहाँ पे 1215 का जो मैग्ना कार्ट आया उसके बाद हुआ क्या धीरे धीरे वहाँ महाराज की शक्तियों को सीमित करते गए लोग जनता ने मध्यम वर्ग ने कहा कि भाई महाराज देखो आप कहीं भी व्यवहार नहीं कर सकते ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते और महाराज की शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ पूंजीपतियों ने कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कुछ शिक्षित लोगों ने कहा कि भाई देखिए हम आपकी शक्तियों को नियंत्रित करेंगे इसलिए इंग्लैंड में जो संसद का विकास होता है वो किस रूप में होता है लॉर्ड सभा के रूप में तो वहाँ कुछ पूंजीपतियों ने कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उन्हें कहा नहीं नहीं भाई महाराजा ये हम नहीं होने देंगे आपकी शक्ति को हम नियंत्रित करेंगे तो वहां बन गया लॉर्ड सभा लेकिन लॉर्ड सभा निर्वाचित थी नहीं लॉर्ड सभा आज भी निर्वाचित नहीं है कमाल का इंग्लैंड जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश वहाँ का पूरा सदन ही निर्वाचित नहीं है वहाँ का पूरा सदन निर्वाचित नहीं है तो लाट सभा बन गया लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर सभा में सब अमीर थे अब वहाँ पर जैसे जैसे लोग पढ़ लिख गए मध्यम वर्गीय लोग आ गए तो उन्होंने कहा भाई हम भी टैक्स दे रहे हैं कुछ वोटिंग राइट हमें दोगे पढ़ने लिखने वालों लोगों को मतदान का अधिकार मिल गया चार्टिस्ट मूवमेंट आया धीरे धीरे मजदूरों को मतदान का अधिकार मिल गया इंग्लैंड में जैसे जैसे समाज का औद्योगिकरण हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे परिणाम क्या हुआ कि लोगों को मत के अधिकार अधिकार मिलने शुरू हो गए और जैसे मतदान का अधिकार मिला, तो लोगों का भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अब उसके परिणाम स्वरूप क्या डेवलप हो गया कॉमन सभा हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड सभा ना परंपरा की बात है हम आगे आपको देख लेंगे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है सीनेट है तो वहां आर्टिकल है ब्रिटेन में अगर आप ये नहीं पूछ सकते कि हाउस ऑफ लॉर्ड का आर्टिकल क्या है ब्रिटेन में आप ये नहीं दे सकते कि हाउस ऑफ यानी रिप्रेजेंट यानी कॉमन सभा जैसे हमारे लोकसभा है वैसे ब्रिटेन में क्या है कॉमन सभा तो कॉमन सभा में कौन आ गया जो निर्वाचित लोग थे वो कॉमन सभा में आ गए गैर निर्वाचित लोग कहाँ से थे लॉर्ड सभा में आ गए अब दोनों लोग बैठ गए और ये सलाह देते थे राजा को और इन लोगों ने कहा कि भाई देखो हम राजा के साथ पूरा कॉमन सभा हाउस ऑफ कॉमन पूरा हाउस ऑफ लॉर्ड राजा को सलाह देने जाए ये बात ठीक नहीं है उसमें से छोटी सी संस्था बना लो उसी से निकल आया मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद बन गई उसके बाद ये हुआ कि ऐसा एक राजा ऐसा हुआ जिसको इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि इंग्लैंड में केवल अंग्रेजी भाषा नहीं है वेल्स भी है स्कॉटिश है एक राजा ऐसा आ गया जिसको अंग्रेजी भाषा आती नहीं थी तो मंत्रिपरिषद ने कहा ऐसा है कि हम राजा महोदय हम ही अपनी बैठक को अध्यक्षता कर लेंगे आप अध्यक्षता करने को छोड़ दो तो वही जो मंत्रिपरिषद की बैठक के अध्यक्षता करने लगा वो कहाँ आ गया प्रधानमंत्री इंग्लैंड में हर चीज परंपरा के स्वरूप चलती चली गई इसलिए कहा जाता है इंग्लैंड में कभी संविधान सभा नहीं आई इंग्लैंड में निर्वाचन है इंग्लैंड में लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र ऐसे निर्वाचन लोकतंत्र होले होले डेवलप होता चला गया इसलिए कहा भी जाता है अगर दुनिया में इंग्लैंड तो कमाल का देश है शायद आपवादिक देश है जहां पे राजा के शासन से लोकतंत्र का संक्रमण इस नायाब तरीके से हुआ ऐसा दूसरा एग्जाम्पल आप कोई पा ही नहीं सकते हाउस ऑफ लॉर्ड कैसे आ गई परंपरा से इसलिए अगर आप, आप ये पूछेंगे कि जैसे भाई हमारे यहाँ राज्यसभा है तो राज्यसभा का संविधान में आर्टिकल है हमारे लोकसभा आर्टिकल है प्रधानमंत्री लिखा हुआ है 75 में 74 में प्रधानमंत्री होगा ब्रिटेन में पूछेंगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन सा आर्टिकल संविधान का तत्व तो आर्टिकल होगा आप कहो सर ये बताओ यहाँ तो केवल सरकार की बात आप किए जा रहे हो तो लोगों को क्या मिलेगा लोगों को फंडामेंटल राइट है लेकिन कहीं लिखा उखा नहीं है थोड़े संसदीय अधिनियम ने बाद में बना दिए गए अन्यथा वहाँ पे कभी संविधान बना ही नहीं ब्रिटेन में भी लोकतंत्र का शासन आया लेकिन वो परंपरा का विकास है वहां संविधान के द्वारा नहीं आया वहां सरकार की शक्तियों को अमेरिकन ने सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान सभा बनाई पूरी योजना बनाई ब्रिटेन ने परंपरा के परिणाम स्वरूप ही सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया लेकिन ब्रिटेन का शासन छोटा था अगर हम टेक्निकल रूप में बात करें जो आगे हम देखेंगे भी अपने शासन में ब्रिटेन की आबादी जिस समय वहां संविधान आया दो करोड़ की थी अमेरिका की आबादी दस करोड़ से ज़्यादा की थी अमेरिका एक विशाल देश था ब्रिटेन और अमेरिकन ने शासन के जो मॉडल अपनाए बिल्कुल अलग अलग, अलग थे ब्रिटेन ने क्या कहा संसद की सर्वोच्चता अमेरिका का बिल्कुल नहीं करेंगे हम ब्रिटेन ने कभी फंडामेंटल राइट का कोई अध्यायवाद था ही नहीं अमेरिका ने कहा बिल्कुल हम लिखेंगे और अमेरिकन ने एक ऐसा शासन अपनाया जिसे हम आगे चल के देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पे महाराजा था तो अमेरिकन का नहीं लोकतंत्र में महाराजा क्या जरूरत है आज भी ब्रिटेन में महारानी महारानी के मृत्यु के बाद महाराजा हैं आज भी वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड है अमेरिका में कोई गैर निर्वाचित संस्था नहीं है अमेरिका ने कहा ना भाई हम ही सिस्टम आपका नहीं अपनाएंगे तो ये डिबेट हम आगे चल के देख लेंगे कि संसदीय शासन क्या है अध्यक्षी शासन क्या है लेकिन इस संविधानवाद के दो बड़े नायाब अनुप्रयोग थे वहीं से भारत कहानी खुलती है इसलिए हमारे संविधान सभा का प्रभाव कहां से ज्यादा था अमेरिका संविधान सभा तो अमेरिका से प्रभाव ज्यादा थे और यह बड़ी कमाल की बात है अंग्रेजों ने अपने लिए कानून नहीं लिखा था हमारे लिए कानून बना दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हमारे लिए संविधान बना दिया था इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव से हमारे संविधान के लगभग दो सौ दस अनुच्छेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव से लिए गए अब अगर ये दोनों समीकरण देख लिया अब हम किस पर आएंगे भारत पर अब हम आएंगे भारत पर और भारत पर कैसे आए बस ये बात याद रखिएगा भारत पर आने से पहले बस एक बात याद रखिएगा अमेरिका में संविधान आया तो अमेरिका में क्या था अमेरिका औद्योगिक था जहां जहां संविधान आया जरा देख लीजिए ब्रिटेन में संविधान कैसे आया ब्रिटेन में पहले समाज पढ़ लिख गया समाज औद्योगिक हो गया इंडस्ट्राइजेशन आ गया वहां लोगों को रोजगार मिल गया अमेरिका और ब्रिटेन में पहले सामाजिक विकास हुआ आर्थिक विकास हुआ लोग पढ़े लिख गए उसके बाद संविधान लोकतंत्र आया इक्रम याद रखना बड़ा जरूरी है हमारे यहां परिस्थितियां नहीं थी इसलिए हमारे यहां क्या हुआ अगर जरा भारत पर आ जाए अगर हम यहां से कोई सवाल तो नहीं पूछ रहे आपको कोई समस्या तो नहीं जो उन्हें बताया इसी का विस्तार हम आगे चल करेंगे हाँ। हो गा, गारंटी होगी जहाँ संविधानवाद होगा वाद का मतलब है विचारधारा वाद का मतलब है ऐसी विचारधारा जहाँ आज़ादी स्वतंत्रता को सबसे महत्व दिया जाएगा वो क्या है संविधानवाद जहाँ संविधानवाद होगा वहाँ आज़ादी हमेशा मिलेगी संविधान होना आज़ादी की गारंटी नहीं है इसलिए भी अदलत है और संविधानवाद के नाम क्या है आपसी में शासन कहिए संविधानवाद कहिए संवैधानिक शासन कहिए संवैधानिक सरकार कहिए यानी जहाँ सर्वोस्था विधि मंत्री की नहीं विधि की होगी जहाँ शासन की विधि नहीं होगी किसका होगा विधि का शासन होगा म्यांमार में क्या है शासकों की विधि है म्यांमार में सरकार की विधि है यहाँ क्या है विधि का शासन तो जहाँ संविधानवाद होगा वहाँ आज़ादी निश्चित तौर पर होगी हाँ भाई व्यक्ति की सर्वोच्चता का समझने की बात नहीं है जैसे परिवार में पिता की सर्वोच्चता है अच्छा पिता का हमने चुनाव किया है क्या नहीं किया है अच्छा पिता कोई आज्ञा देता है तो हम कहते हैं नहीं अवैधानिक आज्ञा ताऊ गंदी बात पिता अवैधानिक आज्ञा देता है ठूसता भी है अगर पिता की आज्ञा कोई न मानिए पिता की आज्ञा कोई न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है वह पिता आज्ञा दे रहा है तो हम उसको चैलेंज कर दें कोर्ट में नहीं होता ऐसे ही जब शासक काम करने लगे तो उसे क्या कहते हैं निरंकुश अरे इतिहास में जाके देखो अकबर औरंगजेब अशोक ये सब क्या थे आज्ञा देते थे सवाल तुम्हारे जैसे बच्चे उससे सवाल नहीं पूछ सकते थे ये राजा ये लोकतंत्र है आप भी सवाल पूछते हो तानाशाही में क्या होता है केवल बताया जाएगा आप किसके लिए बने हो सुनने के लिए आपको सरकार के पीछे चलना होगा सवाल उठाना मुमकिन नहीं व्यक्ति का मतलब शासक यहां व्यक्ति का मतलब क्या है शासक की सरकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति हम आप है एक व्यक्ति हम आप है यानी जरा सोच के देखो नॉर्थ कोरिया में जाओगे तुमसे पूछा जाएगा टोपी क्यों पहन रखी है ये भी पूछ लिया जाएगा फिर पूछा जाएगा ये जूता अमेरिका क्यों पहन रखा है निकालो इसको अमेरिका कोई सामान सामानमा दिखना भी नहीं चाहिए हेयर स्टाइल तक अमेरिकन नहीं होनी चाहिए चाइनी चलेगी क्या लिखा आपने और क्या पूछा किसने का स्वच्छता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है आगे सब, है? है. सब, सब मतलब बाकी आपका उत्तर क्या स्वतंत्रता स्वच्छता अच्छा एक लाइन में उत्तर देते हैं स्वच्छता का मतलब है जहां विधि ना हो और अपने आप कुछ भी करने की आजादी स्वच्छता स्वतंत्रता का मतलब है जहां आपके जीवन पर नियंत्रण रहेगा सीमित यह स्वतंत्रता सीमित यंत्रण रहेगा बिल्कुल मनमानी नहीं हो सकती अब आगे अब जरा देखें भारतीय संविधान कैसे बना संविधान के दोन उपयोग यहां पे आए एक इंग्लैंड में जो परंपरा की देन है प्रथा की देन है एक अमेरिका में जो कि संविधान सभा के द्वारा आई अब जरा भारत में देखें मैं भारत में जब उन्नीस जब भारत में संविधान बनने की बारी आई थी 9 दिसंबर 1946 को जिस समय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो भारत आपको बता दें आज वाला भारत नहीं है कई बार बच्चे बात समझ नहीं पाते आज तो हमारे यहाँ अलग अलग लोग आलोचना करने लगते हैं भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है इस आलोचना पर भी आएंगे कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उपनिवेशवादी है ऐसी ऐसी आलोचना लोग करते हैं लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि भारत का संविधान और हम हमेशा संविधान का बचाव करेंगे हम पॉलिटिक्स से आलोचना कर सकते हैं संविधान का नहीं कि संविधान की आलोचना करने की वैसे गुंजाइश है नहीं कैसे अब जब भारत के संविधान की बात आ रही है तो जब हमारे यहां संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी 9 दिसंबर 1946 में आप जानते हैं उसके बाद तो भारत का विभाजन हो गया बस आपको परिस्थियां बता दें हमारी परिस्थिति अमेरिका जैसी नहीं थी अमेरिका इंडस्ट्राइज था औद्योगिक था शहरीकृत था इसे अगर आप पूछेंगे कि हमारा संविधान सात पेज में क्यों नहीं बन पाया फिर आप पूछेंगे कि सर ये बताओ इंग्लैंड में संविधान लिखा क्यों नहीं गया याद रखिए जो आपके दिलो दिमाग में समा जाए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती जो चीज दिल दिमाग में नहीं बैठ रहा है वही लिखते हैं हम इसका मतलब है जो बच्चे क्लास में कभी नहीं लिखते उनकी बात सारी बात दिलो दिमाग में बैठ गई है इसका मतलब यही हुआ अच्छा यही ब्रिटेन में संविधान लोगों के खून में बह रहा है संविधान लोगों की आदत में है वहां का किसी व्यक्ति आप कहोगे कि इस समय जाना है इस समय नहीं जाना है तो उसके स्वभाव में है उस बात को मान लेगा वो आज़ादी व्यक्ति का स्वभाव है वहां दूसरे के जीवन में न हस्तक्षेप करना है व्यक्ति का स्वभाव है इसलिए पुलिस की जो आवश्यकता नहीं है ब्रिटेन के ब्रिटेन के लोगों का स्वभाव देखना इतना ही आप देख लीजिए आप कहेंगे सर ऐसे लोगों की ऐसे लोगों की प्रशंसा मत करो जिन लोगों ने हमारा खून चूसा था पहले हम सोने की चिड़िया थे बात सच है हमारा खून चूसा था लेकिन उनकी कुछ अच्छी बातें भी है अभी ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु हुई थी तो महारानी की मृत्यु होने के लिए लोग वहां पे श्रद्धांजलि देने थे और लंबी लाइन होगी तेरह किलोमीटर एक व्यक्ति ने लाइन को इधर उधर नहीं किया वो तेरह किलोमीटर में आराम से बैठ जाते थे उड़ जाएंगे अब कहीं खाना मंगा लेते थे दो दो दिन तक लाइन में लगे रहे मजा ले इधर उधर हो जाए हमारे यहां देखिए कभी शादी ब्याह में लाइन तो लगती नहीं एक से प्लेट कूद रहा है वे <laughs> शादी अच्छा कपड़ा पहन गए थे इसलिए कि बारात में चमकाएंगे उसके बाद उसमें दही और चावल लग गया सब अब कहाँ ले कपड़ा भागे इसलिए अब खास पर और देखिए हम हमारे यहाँ के थोड़ा सा वहाँ तो फर्क है इस कुछ चीज़ें में इस दुनिया में हर चीज़ सीखने की होती है तो कई चीज़ें तो वहाँ मतलब वो लोगों के स्वभाव में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर है लोगों के स्वभाव में ही वो चीज़ है कि वो कभी लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे लोगों स्वभाव में है कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे कार पे चलेंगे तो पैदल चलने वालों का इंटरेस्ट पहले देखेंगे हॉन्गिंग नहीं करेंगे उसका वो बताने की आवश्यकता नहीं है स्पीड लिमिट वहाँ नहीं होती कितने स्पीड में चलना है वो स्वाभाविक रूप में लोग करेंगे हाँ कुछ लोग वहाँ भी युवा हुआ कई बार बंगड़ होते हैं अदरवाइज वहाँ लोगों के स्वभाव में ही लॉ है तो संविधान लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अगर सोच के देखिए जो संविधान हमारे यहाँ लिखा जा रहा था वो समाज औद्योगिक था अमेरिका जैसा था हमारा समाज शुद्ध देसी था और मेरे बच्चों ऐसे समाज में संविधान लगा देना लोग तो मजाक करते थे नेहरू के बायोग्राफर माइकल ब्रिचर ने कहा है माइकल ब्रिचर ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र का प्रयोग हो गया और कैसे हो गया शायद नेहरू के व्यक्तित्व कारण हो गया और जब नेहरू गए लोकतंत्र चला जाएगा अंग्रेज बार बार कहते थे कि देखो बार बार कहते हो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो हम जा रहे हैं संभाल सम्हाल पाओगे संभलेगा नहीं हमने घर जाके देखो <laughs> ये बात है अरे मेरे बच्चों अंग्रेज तुम इतने चुनौती करते थे कि तुम लोग कहते हो कि हम संविधान संविधान बनाना कोई आसान बात है इसलिए आप देखेंगे जब साइमन कमीशन की बात आई एक भी भारतीय उसमें नहीं था ये अंग्रेजों का अप्रोच था अंग्रेज क्या करते थे यार हम तो तुमको अंग्रेज क्या करते थे तुम सुनो तुम लोग तुम लोग असभ्य थे धोती कुर्ता पहन के हैं ये हमें यहाँ पे गोबर की बदबू महसूस होती थी लेकिन हमने सोचा कि चलो आपको सभ्य बना दें थोड़ा कोट टाई पहना दें हैट पहना दें बाबू अच्छे से बना दें और तुम लोग कहते हो यार कि भागो 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 अरे तुमको हमारे प्रति कृतज्ञ होना चाहिए इसलिए आप याद रखिए इसी चुनौती की बात थी कि जो नेहरू मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तय किया था मोतीलाल नेहरू का देखो ये संविधान है अच्छा मोतीलाल नेहरू ने जाके लंदन में अपनी वकालत का लोहा मनवा दिया मोतीलाल नेहरू कहते देखिए करो कि भारत में कोई विधि का निर्माण करने वाला नहीं है हम है अरे बताओ हमने संविधान निर्माण कर दिया अंग्रेजों ने माना ही नहीं जो हमने संविधान बनाया वो माना ही नहीं और मोतीलाल नेहरू तो लंदन गए और लंदन में केस लड़ रहे थे लंदन में नियम था कि वहां पे हवा भी बिकती थी इसका मतलब है कोई मकान है ग्यारह फीट पे उसकी ऊंचाई थी ग्यारह फीट के बाद कोई दूसरा उसका मकान ले लेगा उसके बाद तीसरा मकान ले लेगा ऐसा मामला मोतीलाल नेहरू के पास आया एक व्यक्ति आया उनके पास कि ये बताओ मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई मकान न बनवाए तो उन्होंने अपने मकान की ऊंचाई दस फीट रखो बनवा दिया उसने कोर्ट में मामला गया जब उसे दूसरे किसी ने खरीद दिया उसने कहा भाई एक फीट छोड़ के तुम बना लो क्योंकि रूल ये कहता है कि ग्यारह फीट के ऊपर मकान बनेगा मेरे मकान की ऊँचाई कितनी है दस फीट में तुम एक फीट ऊँचा छोड़ के बनवा लो सरकार कानून चेंज करना पड़ा भाई एक फीट कैसे छोड़ के बनवा लेगा ऊपर मोतीलाल ने कहा देखा बेकार की बात करते हो कि हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है लॉ नहीं बना सकते हम तो ऐसा लॉ बना सकते हैं कि तुम दंग रह जाओगे इसका सीधा मतलब है कि वो हमें एक अशासक थे अब जो भी थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है उसमें थोड़ा घमंडा ही जाता है तो ये बीड़ा उठा के चलते थे दुनिया में को हमेशा भी बना रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम करते थे वो लेकिन हमारे समाज भी दोस्तों ऐसा समाज था मैं क्या बताऊं भारत जैसा समाज जहां पे आप देखेंगे समाज का विभाजन जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ था जहां महिलाओं की स्थिति बहुत पीछे थी जरा सोच के देखिए हम किस समाज की बात कर रहे थे हम संविधान बनाने की बात कहां कर रहे थे जहां साक्षरता भी दस परसेंट के आसपास थी जहां तो लोग निरक्षर थे क्योंकि दुनिया में जिस भी बेरिंगटन मूर पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस के लिए बच्चों के लिए बात याद होनी चाहिए जी के लिए नहीं बेरिंगटन मोर ने यह बात कही बेरिंगटन मोर स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि बिना औद्योगिक समाज के बिना पूंजीवाद के लोकतंत्र आ ही नहीं सकता ये उनकी मान्यता है इस तरह सोच के देखिए यही पूरा उदारवादी सिद्धांत ये पश्चिमी सिद्धांत मानता है बेरिंगटन मूर् ने कहा कि बिना पूंजीवाद के बिना इंडस्ट्राइजेशन के बिना अर्बनाइजेशन के अरे डेमोक्रेसी कैसी आएगी और उन्होंने कहा भी कि लोकतंत्र लाने के लिए पहला क्या चाहिए इंडस्ट्राइजेशन अर्बनाइजेशन भारत में कुछ भी नहीं था इसे याद रखिए भारत में संविधान का निर्माण भारत में लोकतंत्र का आगमन पश्चिमी मान्यताओं के लिए बिल्कुल प्रतिकूल था नेहरू के बायोग्राफर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे बेरिंगटन मोर मानने को तैयार नहीं थे क्यों क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक परिस्थितियां क्या के थी केवल जात धर्म का विभाजन नहीं आर्थिक पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन उद्योग का भाव शिक्षा का भाव और मामला केवल इतना होता तब तो बात भी बन जाती उसके अलावा आप देखेंगे देसी रियासतों के एकीकरण देशी रियासतों के किरण भारत का सांप्रदायिक विभाजन तब तक अगस्त 1947 में भारत का सांप्रदायिक विभाजन हो गया देशी रियासतों के किरण आर्थिक पिछड़ापन और उतना ही नहीं अभी आजाद हुए नहीं थे हमारे यहाँ पूर्वोत्तर राज्य में आज की समस्या नहीं है केवल मणिपुर की समस्या नहीं है बल्कि ये तो शुरू से ही नागा जनजातियों ने नागाओं ने अलगाववाद का आंदोलन कर दिया और नागाओ का आंदोलन चल ही रहा था हमारे यहाँ साम्यवादी भाई भी तेलंगाना आंदोलन लेकर आगे आ रहे थे साम्यवादियों ने तेलंगाना आंदोलन में कहा कि हमें अभी भी आज़ादी नहीं मिली है ये पूंजीपतियों की आज़ादी है इस आज़ादी को हम बिल्कुल नहीं मानते अब जरा सोच के देखिए कितनी भयंकर हमारी परिस्थितियाँ थी ऐसी परिस्थितियों में यही चुनौती थी क्या हम देश में एकता अखंडता बना लेंगे इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यह आ रहा था कि क्या भारत को देश में एकता अखंडता बनाए रखने में सहायता मिल पाएगी अंग्रेज क्या करते थे नहीं बना पाओगे और आप याद रखिए संविधान सभा में जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा मत्था हुई थी भाषा एक तरफ सांप्रदायिक विभाजन इसका मतलब है कि जाति धर्म ये फैक्टर था ही समाज पिछड़ा था उद्योग थे ही नहीं कृषि का विकास नहीं था और भारत का पिछड़ापन तो ऐसा था जिसको सबसे अच्छे तरीके से सुकुमार सेन ने कहा है सुकुमार सेन ने कहा कि मैं जब निर्वाचक नामावली बनाने भारत गांव गांव तक तो जा रहा था तो मैंने किसी एक महिला से पूछा कि आपके पति का नाम क्या है तो कहा चुन्नू के पापा इसका मतलब है कि ये भारत की सुकुमार सेन ने जो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे उन्हें भारत की विडंबना बता दी कि प्रॉब्लम है जबकि आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव इसके पहले भारत में था जब ये सारी समस्याएं थी अंग्रेज छोड़ रहे थे तो ऐसा नहीं था भारत में कानून नहीं था लेकिन अभी तक क्या था अंग्रेजों का शासन था अधिकार दिया नहीं था उन्होंने और इसलिए अंग्रेज कहा करते थे अब जैसे इधर अंग्रेज छोड़ रहे हैं इधर पर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी हम हिस्ट्री का एग्जाम्पल थोड़ा बहुत हमेशा देते रहेंगे क्रिप्स क्रिप्स मिशन के द्वारा ये बात कही गई कि नहीं भारत एक रहेगा कैबिनेट मिशन के ये बात कह दी कि भारत एक लेकिन बेटेन ने जो, भी जो तक में कहा गया कि नहीं, नहीं नहीं भारत एक रहेगा चिंता की बात नहीं है सब लोग मिलजुल कर रहेंगे लेकिन जिन्ना तो तैयार नहीं थे तो उन्होंने धर्म के आधार पाकिस्तान का निर्माण किया भारत बट गया भारत तो बटा ठीक है कि पाकिस्तान तलगाव हुआ उसके बाद से पाकिस्तान से इधर आने वाला लाखों शरणार्थियों का हुजूम आया आप अब देखते हैं बगल मॉडल टाउन है लाहौर का सबसे प्लान्ड सिटी था मॉडल टाउन बगल में ये मॉडल टाउन है यहाँ पे कभी आपने गए गए भी होंगे अगर इधर परमानंद कॉलोनी से आगे जाइए मॉडल टाउन आपको दिखेगा मॉडल टाउन गुजरा वाला यहाँ इस आसपास के एरिया के टाउन के नाम वो है जो पाकिस्तान से लोग आए हुए नगर कैम इस सारी पाकिस्तान से आए हुए लोगों की बस्तियां थी अब यकीन मानिए वो केवल अपनी जान लेके पाकिस्तान से आए थे उनके पास कुछ था नहीं यानी इतना बड़ा मानवता का विस्थापन इसके पहले कभी हुआ नहीं था और उनको बसाना अपने आप में चैलेंज था उसके बाद देसी रियासतों का साढ़े पांच सौ राजा महाराजा वो कहते थे वो कहा करते थे अंग्रेज गए तो हम भी आजाद भाई अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे यहाँ एक तिहाई भारत पर देसी रियासतों का नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 11 प्रांत तक ही था ये 11 प्रांत चीफ कमिश्नर्स के प्रांत तो अभी सवाल होगा कि देसी रियासत के लोग देसी रियासत राजा महाराजा भारत में आएंगे नहीं आएंगे तो ये काम बाकायदा पटेल को दिया गया देसी रियासतों के एकीकरण यानी आप याद रखिए इसलिए कहा भी जाता है आपके पोल साइंस में मेंसेंस सवाल पूछा गया था कि संविधान निर्माताओं के सामने सबसे मड़ा बड़ा मुद्दा था राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखना इमेंस, पोल साइंस पूछा गया सवाल है तो जरा तो कॉन्टेक्स तो, 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 तो आप देखिए अरे संविधान तो बाद में आप याद संविधान सभा हमारी बैठी तो पहले 389 एटी नाइन मेंबर्स थे बाद में और संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ इस बात पर भी हम आएंगे और कई लोग इस पर आपत्ति उठा देते हैं क्यों सीधा निर्वाचित नहीं की गई आम जनता से निर्वाचित नहीं की गई कमाल की बात है यार अब आज के दौर में बैठकर आप पचहत्तर साल पुरानी उस घटना को देख रहे हैं जहाँ देख भी नहीं सकते थे भारत था कैसा यहाँ अभी तो बच्चे बैठे हुए सब जीन्स पहन के अच्छे कपड़े पहन के न, 1947 में जब उस आधीरा देश को आज़ादी मिली और नेहरू देश को संबोधित कर रहे थे कि हमारा उद्देश्य एक एक आंखों से एक एक आंसू पूछ देना अच्छा आंसू आंसू पूछ देने का मतलब है वो टी वाले आंसू नहीं है आंसू किसके गरीबी बेरोजगारी सू देना तो उस समय जब नेहरू देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले के, के सामने जो हुजूम जुटा हुआ था उसमें लोग साइकिल लेकर पैजामा पहनकर कुर्ता पहन खड़े थे उस पूरे लाल किले के, के सामने एक एकाध विंटेज कार पता नहीं किसकी थी खड़ी दिखती है ऐसे आम आदमी खड़ा था आज उसी दिल्ली में पार्किंग की जगह नहीं मिलती कार की भारत कितना बदला दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आज मैं बैठ के अपने दादाजी को कहूं ये मेरे दादाजी इतने दकियानूसी व्यक्ति थे कि मैं उस समय लव मैरिज करना चाहता था करने नहीं दिया उसने लो दादाजी की आज बैठ के आलोचना कर रहे हैं अरे मेरे बच्चों ये बताओ संविधान सभा में सब लोग बैठे आ, आ, जब विभाजन हो गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या टू नाइन्टी टू आई और फिर उसके बाद ये मसला हुआ कई लोग इधर रोमांटिक हो गए कि आने वाले भारत में दूध की नदियां बहा देंगे कई लोग उनका झील की बिल्कुल दही की झील बना देंगे सरदार पटेल ने कह रहे रुक जाइए तो राष्ट्रीय एकता अखंडता तो बना लीजिए संप्रभुता की रक्षा तो कर लीजिए भारत को एक तो कर लीजिए एक ऐसे समय में दोस्तों जहाँ एक ऐसा ज्वाइंट फैमिली अगर इंडिया एक ज्वाइंट फैमिली थी तो ज्वाइंट फैमिली में आप याद देखो ताऊ उधर भाग रहा था चुन्नू मुन्नु उधर भाग रहे थे और जो घर का मालिक था वो परेशान था अरे सामाजिक न्याय बाद में आएगा अधिकार बाद में मिलेगा स्वतंत्रता बाद में मिलेगी पहले संप्रभुता की बात तो कर लो बच्चों पहले पहले तो सुरक्षा की बात करो यही मूल मुद्दा तो और इस बात को सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा ग्रेनेविल ऑस्टिन ने ने ग्रेनेविल ऑस्टिन लिखा भी है इस बात में संदेह थोड़ा में संदेह नहीं था इसलिए जीएस में सवाल आया हुआ है क्या भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है प्रगतिशील दस्तावेज है यह ऑस्टिन की बात का बिल्कुल हु बहु कोटेशन है अरे मेरे बच्चों याद रखो आप इतने आज़ादी की मांग आपको क्यों है क्योंकि सुरक्षा मिली हुई है अब आप अगर आपको नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान में सूडान में समय जाकर छोड़ दिया जाए सूडान में जान बचाने की आफत आएगी आज़ादी लोगे पहले प्राण है या पहले आज़ादी है जान बची तो ये चैलेंज था हमारे सामने इस तरह सोच के देखो ये परिस्थितियां पहली जो तो आंतरिक थी आंतरिक इसलिए आज के कहना बड़ा आसान होता है कि कैसे हमने देश को बांधा कैसे इतने बड़ी देश को एक किया और यह चंबा था क्यों अंग्रेज कहा करते थे भाई भारत को बांट दो साढ़े पांच सौ भागों में जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय हमारी आबादी पैंतीस करोड़ थी उस समय भी चीन से बड़ा देश हमारे सामने नहीं था इतनी बड़ी जनसंख्या में उसमें भी अंग्रेज जब आते थे अंग्रेज जब आते देखते थे उनका वो यार एक तरफ ही हिंदी बोलता है एक तरफ उधर तमिलनाडु में चले जाओ कड़ी पिकड़ी पिकड़ी कुड़ी हूँ वो एक बार तमिल बोलता है एक तरफ इधर मराठी बोलता है अंग्रेज कहते थे यार ये राष्ट्र है या ये महाराष्ट्र है अंग्रेज कभी से राष्ट्र ही मानते थे क्योंकि जिस इंग्लैंड को देखा था उसमें नाइन्टी परसेंट लोग इंग्लिश बोलते थे जिस इंग्लैंड को देखा था, तो उसकी आबादी दो करोड़ थी इंडिया जिसकी आबादी तीस करोड़ से ज्यादा थी इंडिया जहाँ कोस कोस पे बदले पानी चार कोस पे बने ये इंडिया था अब मेरे बच्चों इस इंडिया को कैसे यूनिफाइड किया जाए कमाल की बात नहीं थी आज भी आप देखो आज भी कर्नाटक नेता कह कर रहे हैं दक्षिण भारत अलग होगा अरे मैं कहाँ कूदोगे समुद्र में कूदोगे <laughs> जाओ कहाँ एक बात याद रखिए कश्मीर के लिए और अभी हमने आज़ादी का झंडा फहराया नहीं था अभी तो लड्डू खाया था अभी मामला खत्म नहीं हुआ तब तक पाकिस्तान ने कहा तब तक पाकिस्तान ने कहा भाई हम पहले कश्मीर लेंगे और इसलिए इंटरेस्टिंग बात है जब बेनजर भुट्टो बेनेजर भुट्टो प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बेनजर भुट्टो के बीच बड़ा एक फेमस संवाद हुआ था बेनजर भुट्टो ने कहा था वाजपेयी जी विवाह कर लीजिए बस मुंह दिखाई कश्मीर चाहिए वाजपेयी ने कहा दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए सब आप सोचो अरे जब दोनों अलग अलग हो गए तो पाकिस्तान को थोड़ी दिन तक अभी जश्न मनाना चाहिए था पाकिस्तान ने जश्न नहीं मनाया काबायली आक्रमण नाइनटीन फोर्टी सेवन में करवा दिया अस्त व्यस्त यानी जरा सोच के देखो कैसी परिस्थितियाँ अंदर की परिस्थिति बाहर की परिस्थिति बाहर घटनाओं देखो अब इसी बात को भी आपको लिखवा देंगे राष्ट्रीय एकता अखंड था यही तो मेन्स का सवाल है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता सबसे बड़ा जहन था अब आप देखेंगे अब आप ये अब आप ये पूछोगे सर ये बताओ ये सब जीएस में तो नहीं बताते वहाँ जरूरी नहीं है यही फर्क है विषय वही है लेकिन कहा किसका आपके सिलेबस में लिखा हुआ गया है पूरा इतिहास की बात करना है संविधान के विकास की बात करना है प्रश्न भी आते हैं ऐसे जीएस में नहीं आते तो जीएस में इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम कट कर देते हैं और जीएस में हिस्ट्री पढ़ते ही उतने पर्याप्त है मूवमेंट आप पढ़ते हैं तो इसका यह मतलब ना मैं वहां शॉर्टकट करते हैं शॉर्टकट नहीं है जहां हो तो वहां जरूरत है वहां यदि जरूरत यहां है वहां बता देते हैं इतना ही फर्क है और इसके बाद आप देखें बाहर की परिस्थितियां क्या थी इधर एक तरफ तो देश हमारा आजाद हो रहा था और सोच रहे थे बढ़िया एक ऐसा आलिशान घर बनाए भाई राष्ट्र निर्माण घर ही तो था हमारा आप पोलिटिकल पोलिटिकल साइंस की भाषा में कहा जाए संविधान बना रहे थे राष्ट्र निर्माण की नींव रख रहे थे राष्ट्र निर्माण की नींव रख रहे थे राष्ट्र बना रहे थे लेकिन जरा बाहर की परिस्थितियां देख लीजिए जाए सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद दुनिया में कोल्ड वार उत्पन्न हो गया और बाहर शासन के दो मॉडल हमें बड़े आकर्षित कर रहे थे एक तो हमारा घर का ही मॉडल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 एक तो हमारा अधिनियम था ही जो पहले से बना हुआ था और दूसरा जो बाहर की परिस्थितियां हमें बहुत आकर्षित कर रही थी वो बाहर की परिस्थितियां थी पहला सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल भाई अमेरिका का संविधान अमेरिका का संविधान तो था ही अमेरिका का संविधान था जो हमें हमेशा आकर्षित करता रहा अमेरिका का संविधान तो भारत अदरवाइज तो हमने अमेरिका के संविधान के अलावा दुनिया के तमाम देशों के और संविधान को देखा लेकिन अमेरिका के संविधान का हमारे ऊपर फर्क ज्यादा था बेस बाबा की छोटी मोटी चीजें तो हमने बहुत सारी जगहों से ली ले। लेकिन दूसरा एक हमें और आकर्षण पैदा करने वाला था सोवियत संघ का शासन सोवियत संघ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत संघ जो सोवियत संघ था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी पूर्व सोवियत संघ अब तो नहीं रहा उसका उत्तराधिकारी है रसिया यानी सोवियत संघ ने कैसा शासन बना रखा था जिसमें कहा गया था ये मजदूरों का शासन होगा इसमें मजदूर शासन करेंगे सरबहारा शासन करेंगे और सोवियत संघ के शासन के साथ एक खास बात थी कि वहाँ पे पहली बार ऐसा सिस्टम देखा गया कि राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा राज्य के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा राज्य के द्वारा सारी सुविधाएं लोगों को दी गई लेकिन सोवियत संघ का शासन कमाल का शासन था जो समाजवाद की विचारधारा पर आधारित था और समाजवाद का मतलब ही था जहाँ पे व्यक्ति को हर चीज़ सुविधा मतलब जितनी सुविधाएं थी जैसे कि स्टालिन का जो शासन सोवियत संघ उस समय चल रहा था उस समय तो सिस्टम ये था कोई छात्र होगा तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल कोई छात्र है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अगर कोई बेरोजगार है तो उसको निशुल्क किराए वाला मकान और कोई काम भी कर रहा है काम घंटे निर्धारित थे जब चाहे काम करे जब चाहे न करे तो ऐसा सिस्टम दुनिया में कभी किसी ने देखा नहीं था हमारे संविधान निर्माताओं में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल को न देखा हो वहां लोग जाके देखते थे क्योंकि हुआ क्या सोवियत संघ ने क्या किया था 20 साल में ही जबरदस्त विकास किया था 1917 में अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति हुई उसके पहले सोवियत संघ एक पिछड़ा देश था कृषि आधारित देश था एक पिछड़े देश कृषि आधारित देश को 20 साल में आर्थिक विकास के इस मुकाम पर पहुंचा देना अप्रत्याशित था दुनिया में ऐसे विकास की रफ्तार कहीं थी नहीं और समाजवाद का विचार हमें आकर्षित करता ही था आप यह तो रखिए जिस सम, जिस परिस्थिति में हमारा देश था वहाँ समाजवाद का आकर्षण स्वाभाविक था समाजवाद का आकर्षण गरीबों में होता है या अमीरों में भाई फ्री सामान किसको चाहिए गरीबों में फ्री की शिक्षा आज भी आप देखिए जहाँ फ्री सरकारी दे रही हम चुनाव जीत जा रही है आज की कंडीशन ये है तो उन्नीस की बात आप छोड़िए इसलिए सोवियत संघ का आकर्षण हमें बहुत पैदा करता था और हमारे देश में कम संयोग की बात थी कम्युनिस्ट पार्टी भी थी समाजवादी पार्टी भी थी जनसंघ भी था कांग्रेस भी थी एक ऐसा देश जहां पे तमाम विचारधारा के लोग थे तमाम दलों के लोग थे तो अब सवाल था राह कौन सी जाऊं में अमेरिका के रास्ते पर जाए या सोवियत संघ के रास्ते पर जाए यह बात लिखी किसने ग्रेनविल ऑस्टिन ने विच रोड टू सोशल रेवोल्यूशन ग्रेनेविल ऑस्टिन बात लिखी कि राह कौन सी जाऊं में इसका मतलब है अमेरिकी मॉडल अपनाया जाए या सोवियत संघ का मॉडल कौन सा मॉडल अपनाया जाए अमेरिका की तरफ आगे बढ़े सोवियत संघ की तरफ एक बात याद रखिए सोवियत संघ का मॉडल कैसा था जो आज चीन का मॉडल है सोवियत संघ के मॉडल में अच्छी बात क्या थी ठीक है सामाजिक समानता थी आर्थिक समानता थी सोवियत संघ में आजादी नहीं थी आज भी चीन में समस्या है इसलिए आप याद रखें सोवियत संघ के मॉडल का हमने बड़ा सीमित प्रयोग किया संविधान में अगर आप देखेंगे सोवियत संघ का प्रभाव निदेशक तत्व निदेशक तत्व के अलावा हमने सोवियत संघ की बात ली ही नहीं पीछे हमने रखा सोवियत संघ की बात को क्योंकि निदेशक तत्व तो 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 में ले लिया सोवियत संघ की बात को क्योंकि सोवियत संघ के शासन तो का ढांचा था अचीन का है एक दल का शासन एक दल का शासन कोई ऑफ पावर नहीं फंडामेंटल राइट नहीं न्यायिक पुनरावलोकन नहीं मैं यही सारी बातें पढ़नी है तो सोवियत संघ के मॉडल को हाँ यहां बात तो ठीक है कि आर्थिक नीति हमारी सोवियत संघ से प्रभावित थी क्योंकि हमने जिस आर्थिक मॉडल को आजादी के बाद अपनाया वो मॉडल कौन सा था सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का सिद्धांत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार इतना तक तो हमने सोवियत संघ से लिया अन्यथा हमारे से संविधान का कोर तो अमेरिका से है मूल आधार ब्रिटेन से है कुछ हमने अमेरिका से कुछ ब्रिटेन से लिया तो ये आंतरिक परिस्थितियां थी ये बाहरी परिस्थितियां थी अब इनमें कैसे भारत का संविधान बनाया जाए क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव से लिया क्यों लिया कितना और क्यों अमेरिका जैसा हमारा संविधान नहीं है क्यों हमारा संविधान बहुत बड़ा बन गया अच्छा हमारा संविधान बहुत बड़ा बन गया अब एक ही कारण का उत्तर हमें देना है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा बन गया अब बहुत बड़ा बन गया तो इसी आधार पर बहुत लोगों ने आलोचना करना शुरू कर दी तो अब एक एक बात का उत्तर हम दे देंगे अगर ये कॉन्टेक्स्ट है तो आप कुछ बात आप लिख सकते हैं जो लिखने वाली है यहाँ तक तो हमने एक बेसिक पृष्ठभूमि आपको बना दिया कि अब मुद्दा क्या है अब हम मुद्दा क्या क्या देखेंगे अब देखिए मुद्दा हम क्या देखेंगे यहाँ से अब लिखने वाली बात नहीं थी अब हम इसमें से ये इतिहास पढ़ के हमने क्या मुद्दा तलाशा हम किस इस मुद्दे पे जाना चाहते हैं यानी हम क्या क्या संविधान के इस विकास में हम किन किन ईशूज को उठा सकते हैं पहला क्या वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा था क्या वाकई संविधान के सामने राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा बहुत बड़ा था या स्वतंत्रता का मुद्दा था ये इस पहला डिस्कशन होगा राष्ट्रीय खंडता को प्राथमिकता दी जाती है, स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है यह पहला डिस्कशन था दूसरा दूसरा मुद्दा क्या था संविधान सब संविधान सभा के सामने कि संविधान लंबा हो या छोटा हो संविधान कैसे बनाया जाए संविधान अगर बड़ा होना चाहिए तो समस्या है छोटा होना चाहिए संविधान का प्रारूप कैसा हो संविधान विस्तृत हो या शॉर्ट हो दूसरा मुद्दा यह एक्सटेंडेड होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए मैं इतनी बात पढ़ के हम यही सब तो मुद्दे पर आते हैं और एग्जामिनर का सरोकार मुद्दे से होता है अब दूसरी, अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 का ही ये कटपेश था या कुछ में अलग था ये उन्नीस सौ जिसके उधार का थैला तो नहीं था इसलिए एक और क्रिटिज्म आता है बैग उधार का थैला तो नहीं था अगला जो मुद्दा आता है कि अब संविधान में किन आदर्शों को शामिल किया जाता उदारवाद समाजवाद गांधीवाद क्योंकि याद रखिए गांधी बाबा राष्ट्रपिता गांधी बाबा राष्ट्रपिता थे संविधान सभा में बैठे भी थे उनके प्रतिनिधि और वो थे उनके प्रतिनिधि कौन थे श्रीमान नारायण अग्रवाल एस एन अग्रवाल गांधीन थे और हमारी संविधान सभा देखिए संविधान सभा हमारी कैसी थी संविधान सभा की बात अगर की जाए तो संविधान सभा तो ठीक है कि इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि निर्वाचित थी कैसे निर्वाचित थी क्या संविधान सभा मैं संविधान सभा का डिबेट अलग है संविधान सभा निर्वाचित थी निर्वाचित नहीं थी यहां बा... लेकिन संविधान सभा कैसे सर्वसमावेशी थी तो बात को हम संविधान सम... संविधान सभा से भी शुरू कर सकते हैं कि संविधान सभा क्या जो संविधान सभा बनी वो ठीक थी संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी इसलिए एक बार मेन्स का सवाल पूछा गया है कांग्रेस ही भारत था भारत ही कांग्रेस थी टिप्पणी कीजिए मेन्स का सवाल पूछा गया है तो संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी जिसने ऐसे संविधान बनाया और फिर किस रास्ते पर संविधान सभा ने सामाजिक न्याय के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया विच रोड टू सोशल रेवल्यूशन किस तरीके से हमारे संविधान का नेचर था संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का संविधान सभा का नेचर था समय, सामाजिक क्रांति के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया गया और क्या बैग है आजकल तो और भी लोग आलोचना कई बार आलोचना कर देते हैं कि ये उपनिवेशवादी दस्तावेज है कुछ लोग कह देते हैं ये लॉयर्स पैराडाइज है ये बड़ा होने कारण लोग कह देते हैं वकीलों का स्वर्ग है क्या ये सब बातें ठीक हैं या लॉयस पैराडाइज है अब एक एक मुद्दे की बात हम शुरू करें तो अब एक मुद्दे की बात शुरू करें तो हम बात दोनों तरफ से जा सकते हैं संविधान सभा की प्रकृति के बजाय ये सब सुन की संविधान सभा का उद्देश्य क्या था संविधान सभा क्या चाहती थी फिर अब इसी आप उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा कि जो अमेरिका की चैलेंज थे वो हमारे चैलेंजेस नहीं थे जो अमेरिका की चुनौतियाँ थी वैसी हमारी चुनौतियाँ नहीं थी हमारी चुनौतियाँ बिल्कुल अलग किस्म की थी उन चुनौतियों का सामना हमने कैसे किया कैसे हम आगे बढ़े अब दो चार बात आप लिख सकते हैं थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पे पहला हेडिंग पहला इशू क्या है ये पहला इशू ये है चला पहला पहले लिख अब जब लिखते हैं तो थोड़ा सा स्कॉलर दो यूज़ कर लेते हैं फिर भी आप देखिए अगर स्कॉलर का नाम आपको याद ना हो तो बड़ी बात नहीं है आप याद रखिए हमेशा कॉन्सेप्ट पहले आता है कॉन्सेप्ट हमेशा पहले आता है लेकिन अगर अगर आप साथ में लिख देते हैं तो खराब प्रभाव नहीं है फायदा हो जाएगा लेकिन कभी स्कॉलर के नाम आप लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट आप नहीं लिख पाए विश्लेषण नहीं कर पाए तो स्कॉलर के नाम लिखने का नुकसान ज़्यादा है इसे हर बात को पहला तो विश्लेषण थी इसलिए जो हम नाम लिखवाते हैं स्कॉलर को के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है एक बार आप पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे स्वाभाविक रूप में जो याद हो जाए ठीक है अंधा छोड़ दीजिए आप उसको तो पहले लिख लीजिए तो मैं कुछ नाम लिखवाना चाहता हूँ लिख लीजिए पहला हेडिंग तो यही है हेडिंग यही है कुछ और है। यही तो हेडिंग है राष्ट्रीय अखंडता या स्वतंत्रता क्यों इतना महत्व था हेडिंग पहला यही है राष्ट्रीय अखंडता या स्वतंत्रता तो पहला प्रोफेसर राजीव भार्गव और पॉल ब्रास प्रोफेसर राजीव भार्गव और पॉल पॉल ब्रास पॉल ब्रास एक विदेशी विद्वान है राजीव भार्गव इंडियन ही है राजीव भार्गव और पॉल ब्रास ने यह मत व्यक्त किया प्रोफेसर राजीव भार्गव और पाल ब्रौ, पॉल ब्रॉस ने यह मत व्यक्त किया कि जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें राष्ट्रीय एकता खंडता को बनाए रखना जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें राष्ट्रीय एकता खंडता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि क्योंकि स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण क्योंकि स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण भारत में आए शरणार्थियों की स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों के एकीकरण भारत में आए शरणार्थियों को बसाना भारत में आए शरणार्थियों को बसाना तथा नागा उपद्रवियों नागा उपद्रवियों और तेलंगाना आंदोलन के द्वारा नागा उपद्रवियों और तेलंगाना आंदोलन के द्वारा भारतीय सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न की गई भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न की गई अगला पॉइंट भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का भाग भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का भाग अमेरिकी संविधान से प्रभावित है भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का भाग अमेरिकी संविधान से प्रभावित है लेकिन लेकिन अमेरिका अमेरिका के मूल अधिकारों के प्रावधान पर अमेरिका के मूल अधिकारों के प्रावधान पर किसी प्रकार के प्रतिबंध आरोपित नहीं है अमेरिका के मूल अधिकारों के प्रावधान पर किसी प्रकार के प्रतिबंध आरोपित नहीं है जबकि भारतीय संविधान में जबकि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए गए और कि प्रतिबंध क्या है कि आपको पढ़ना ही है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए गए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए गए अगला पॉइंट भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से जर्मनी का वो संविधान वीमर संविधान भी कहलाता है वीमर या कई बार वाइमर भी कहते हैं भारतीय संविधान में वीमर के संविधान से वीमर कई बार वीमर जर्मनी का शहर है वीमर संविधान से आपातकाल के प्रावधान लिए गए वीमर के संविधान से आपातकाल के प्रावधान लिए गए जिससे यह पुनः सिद्ध होता है जिससे यह पुनः सिद्ध होता है कि संविधान निर्माता जिससे यह पुनः सिद्ध होता है कि संविधान निर्माता राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को सर्वाधिक महत्व दे रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को सर्वाधिक महत्व दे रहे थे इस संबंध में सरदार पटेल के द्वारा इस संबंध में सरदार पटेल के द्वारा संविधान सभा में कहा गया इस संबंध में सरदार पटेल के द्वारा संविधान सभा के समक्ष कहा गया कि स्वतंत्रता और अधिकारों का विचार संविधान के संविधान सभा के समक्ष कहा गया कि स्वतंत्रता और अधिकारों का विचार तभी सार्थक होगा स्वतंत्रता और अधिकारों का विचार तभी सार्थक होगा जब राष्ट्र की अखंडता विद्यमान रहेगी जब राष्ट्र की अखंडता विद्यमान रहेगी अगला पॉइंट राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की चिंता। राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की चिंता राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की चिंता प्रस्तावना में भी विद्यमान है सुरक्षा और अखंडता की चिंता प्रस्तावना में भी विद्यमान है प्रस्तावना में भी विद्यमान है बस इतनी बात आपको याद दिला दें। जब हम अखंडता की बात करते हैं और आपको दिला आगे चल के देखेंगे आर्टिकल 22, 34 केवल आपातकालीन नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद बाईस और चौंतीस का रखे जाना बहुत ऑब्जेक्शनेबल था फिर भी हमने रखा तो सवाल यह है ये उस समय की चिंता थी आज की भी चिंता है और जब हम किसी चीज को खत्म करते हैं वर्तमान तो पर पलक खत्म करते हैं अब ठीक है आए तो संविधान की बात संविधान माताओं की दृष्टि कितनी बड़ी थी आज भी वो बड़ा प्रासंगिक है आज भी आप देखेंगे भारत के लिए आज भी सुरक्षा की समस्या है चाहे वो कश्मीर से आए चाहे वो मणिपुर से आए चाहे वो माओवादियों से आए चाहे वो चाइना से आए समस्या तो आज भी है इसे जिस परिस्थिति में संविधान पैदा हुआ था वो समस्याएं आंतरिक रूप में भारत बहुत बदला इसके बावजूद वो चैलेंजेस कंटिन्यूस हैं तो लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं और जब हम कहते हैं एकता देखिए शब्दों का बस इतना फर्क है एकता का मतलब होता है प्रशासनिक वैसे तो एकता अखंडता में कई बार इंटरचेंजेबल भी लोग इंटरचेंजेबल यूज करते हैं लेकिन अगर हम अंतर करना चाहें तो एकता का मतलब प्रशासनिक तो कहा भी जाता है कि एकता भारत में अंग्रेजों ने पैदा की थी प्रशासनिक एकता अब यह बड़े विवाद का सवाल है कुछ लोग कहते हैं प्रशासनिक एकता पैदा करने के नाम पे सांप्रदायिक जाति का विभाजन करवा दिया ये सारे जो विभाजन पैदा हुए अंग्रेजों ने तो किए पॉलिटिक्स उन्होंने सिखा दी तो इस वजह से कहा जाता है कि यद्यप फिर भी लोग मान लेते ठीक है भाई लॉर्ड कार्नवालिस ने जो सिस्टम जनपद प्रशासन का लाया उससे भारत की प्रशासनिक एकता मजबूत हुई है। एकता है यानी सीमाओं पर हमारी सेनाएं खड़ी रहे एकता है लेकिन सवाल है व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक लगाव होता है खास बात है आप परिवार से दूर हैं या पास हैं परिवार से दूर हैं या पास हैं? कमल की बात है यार सबसे ज्यादा निकट आपके कौन है फैमिली तो होती है सबसे ज्यादा निकट परिवार आपके पास होता है ये एकता क्या है मनोवैज्ञानिक इसी कहते अखंडता इंटीग्रिटी इसलिए आप याद रखिए अखंडता का मतलब है कि हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूं आई एम प्राउड टू बीन इंडियन अपने राष्ट्र से मनोवैज्ञानिक भाव जोड़ लेना ये अखंडता है इसी कहते तो राष्ट्र का निर्माण देखिए जब हमने एकता पैदा की क्या है राज्य का निर्माण शब्दों पर हमेशा अंतर रखिए। राज्य के निर्माण का मतलब है प्रशासन बना दिया सेना बना दी पुलिस बना दी और यकीन मानिए राज्य का निर्माण एक महीने में दो महीने में चार महीने में एक साल में किया जा सकता है हमने नई पार्लियामेंट बनाई है राज्य का निर्माण है स्टेट बिल्डिंग है कश्मीर तक रेल लाइन चलने वाली है या राज्य का निर्माण है स्टेट बिल्डिंग है कनेक्टिविटी कर रहे हैं दिलों को जोड़ेंगे केवल रेल को ही कैसे जोड़ेंगे दिलों को फिर से दिलों को दिलों को जोड़ने का तरीका क्या है नेशन बिल्डिंग इसलिए आप राष्ट्र निर्माण का मतलब है लोगों को मनोवैज्ञानिक लगाओ यानी कहीं तिरंगा मिल जाए और ये मैंने राष्ट्र निर्माण तब देखा एक बार ऐसे जंतर मंतर पे धरना ऊरना चल रहा था पुरानी बात हो गया अन्नाजारे का मोवमेंट था हम लोग भी चले गए थे मेट्रो से आ रहे थे किसी व्यक्ति के हाथ में झंडा था वो झंडा नीचे गिर गया तो उसे टोका देखो झंडा नीचे गिर रहा है उसको संभाल सम्भालू राष्ट्र निर्माण मैं देखिए मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो कहीं भी हमें वही चीज़ दिखती है अच्छा विषय के स्टूडेंट के साथ ही प्रॉब्लम होती है मैं कहीं बस में जा रहा था पंद्रह अगस्त का दिन था देखिए राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं भावनात्मक एकता किसे कहते हैं बस ड्राइवर किसी स्टु, किसी स्टेशन पे उतरा जहाँ पे लोग चाय पी रहे थे तो वो गया किसी के कहाँ से बुक जितने का झंडा खरीदा हो छोटा सा झंडा लाया और वो अपने गाड़ी में लगा दिया राष्ट्र निर्माण है वो बस ड्राइवर को शायद उसके लिए पैसा थोड़ी मिला होगा ये उसकी निष्ठा थी राष्ट्र के प्रति इसीलिए जिस तरीके से आपकी निष्ठा आपके प्रियजनों के प्रति है ये अखंडता है है ये क्या है? अखंडता इन, इन, दूरी दूरी अखंडता में भौगोलिक दूरी का महत्व नहीं है मनोवैज्ञानिक दूरी का महत्व है इसीलिए कहा भी जाता है अगर नागा लोग कह रहे हैं भाई भारत का भाग नहीं है तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी थोड़ी कमजोर है कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर के लोग कह रहे हैं नागालैंड का आदमी जब इधर आता है कई बार हम सब व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं एक आध कभी ऐसे लोग कह देते हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं हम कहे तुम इंडिया जा रहे हो तो नागालैंड कहा है अरे कमाल की बात है अमेरिका का आदमी कहे मैं इंडिया आ रहा हूं तो समझ में आती है नागालैंड की आदमी कैसे कहेगा मैं इंडिया जा रहा हूं इसे कई बार जब कश्मीर में ऐसा विरोध होता है इंडिया को बाहर करो इंडिया को बाहर करो अरे हमने कश्मीर कहा कश्मीर कहाँ है उनका इंडिया से बाहर है हम माई गॉड इसलिए संप्रभुता एक होगी या एक ही संप्रभुता में अनेक होगी एक ही राष्ट्र होगा या अनेक राष्ट्र होगा राष्ट्र तो एक ही होगा ना भारत तो एक ही है ना इसलिए जब भारत माता को आप अपनी माता जैसा प्यार करेंगे उस दिन क्या होगा राष्ट्र का निर्माण अपनी ही माता से प्रेम करेंगे भारत माता से भी तो जब भारत माता से प्रेम करेंगे क्या होगा राष्ट्र का निर्माण बाकी संसद बन जाना ये सब क्या है राज्य का निर्माण तो हमारे संवैधानिक माता क्या करना चाहते थे राष्ट्र का निर्माण मनोवैज्ञानिक एकता पैदा हो जाए अब ये नहीं कि दक्षिण भारत अलग को देगा कश्मीर अलग को देगा तो ये हमारे यहाँ पहले समस्याएं थी उत्तर खत्म करेंगे वर्तमान एग्जाम्पल देकर राज भारतीय संविधान भारतीय संविधान के द्वारा जिन समस्याओं भारतीय संविधान के द्वारा जिन समस्याओं की संदर्भ में चेतावनी व्यक्त की गई जिन भारतीय संविधान के द्वारा जिन समस्याओं के संदर्भ में चेतावनी व्यक्त की गई वे आज भी विद्यमान है वे आज भी विद्यमान है क्योंकि मणिपुर में वे आज भी विद्यमान है क्योंकि मणिपुर में जारी संघर्ष उग्रवादी संगठनों का मणिपुर में जारी संघर्ष उग्रवादी संगठनों का भारतीय संप्रभुता के लिए चुनौती उग्रवादी संगठनों का भारतीय संप्रभुता के लिए चुनौती आज भी बनी हुई है उग्रवादी संगठनों का भारतीय संप्रभुता के लिए चुनौती आज भी बनी हुई है आज भी बनी हुई है तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों सुरक्षा का इतना महत्व है और क्यों फंडामेंटल राइट हम अलग से देखेंगे आपातकाल के प्रावधान अलग से देखते हैं लेकिन इसका उत्तर मिल गया क्यों ऐसी चीजें रखी गई अमेरिका के संविधान में आपातकाल नहीं है ब्रिटेन में सवाल ही पैदा नहीं होता हमने सोचे कहाँ से ढूंढ के लाए जर्मनी से चले गए क्योंकि तो बाकी जगह आपातकाल मिल नहीं रहा था तो हम कहाँ उसको ढूंढने चले गए जर्मनी इसे दुनिया के हर जगहों से बेहतर संविधान लाया इसलिए एक बार एक बार मैं में सवाल पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माण पर पड़ने वाले आंतरिक और बाहरी प्रभावों को उल्लिखित करिए यही तो है आंतरिक और बाहरी प्रभाव से पहले हमने बताया आंतरिक परिस्थितियां बाहरी परिस्थितियां लेकिन लिखा जाता है विशेषण के रूप में अब यह नहीं कि आपको लिख दिया जाए कि भारतीय संविधान पर पड़ने वाली आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों को बताइए परिस्थितियां पर लिख देंगे परिस्थितियों का महत्व ज्यादा होना चाहिए या संविधान पर उनके प्रभाव का प्रभाव का आंतरिक परिस्थितियां थी बाहर की परिस्थितियां थी फिर भी उसको हमने अपने हिसाब से सामंजस्य किया तो निश्चित तौर पर कोई भी संविधान परिस्थितियों से प्रभावित होता है लेकिन यह क्या देखिए क्या तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित था भविष्य का भी निर्माण करना चाहता था हमारे देखिए संविधान के बाद जब भी कहते हैं संविधान का सिंपल मतलब क्या है सर्वोच्च विधि सरकार के तीन अंग अगर एक आम भाषा में कहा जैसे पीटी में सवाल पिछली बार आया था संविधान क्या है तो आप उत्तर दे देंगे विधि का सर्वोच्च दस्तावेज या सरकार जिस जो संविधान क्या करता है सरकार के तीन अंगों की शक्तियों की बात करता है उनको परिभाषित सीमित करता है संविधान है ये पीटी का आंसर है लेकिन सवाल है अगर मेन्स इसी बात पे बात करेंगे हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे पीटी का अप्रोच कहाँ पीटी के प्रश्न आते हैं कहाँ मेन्स के प्रश्न आते हैं वो आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे लेकिन जब मेन्स का प्रश्न आ जाए तो बात ये नहीं कि संविधान लिखित दस्तावेज है संविधान सरकार के तीन अंगों की बात करता है उन पर सीमांकन लगाता है ये फिर हमारा मेंस का अप्रोच नहीं होगा मेंस का अप्रोच क्यों है संविधान का उद्देश्य क्या था सरकार बनाना या भारत का निर्माण करना सरकार का निर्माण करना या राष्ट्र का निर्माण करना तो आप कहेंगे सर ये बताओ सरकार भावना कैसे बनाएगी भावना नहीं, नहीं बनाएगी रोटी कपड़ा मकान तो देगी एक बात याद रखिए दिल से किसी को चाहने के लिए पेट भी भरा होना चाहिए दिल वैसे थोड़ी काम करता है दिल में ऑक्सीजन तो चाहिए ना ऑक्सीजन खंस जाएगी बायोलॉजी के दिमाग मत लगाइए कि, कि पेट से कैसे ऑक्सीजन जाएगी कई बार हमें उपमात्मक भाषा में समझने की आयत होनी चाहिए इसलिए आप याद रखना हमारा संविधान समाज को बदलने का दस्तावेज है सरकार को चलाने का दस्तावेज है यानी हम कैसा संविधान चाहते थे जो कि समाज को बदले एक नया समाज इसलिए संविधान ने समाज को ज्यादा प्रभावित किया या समाज ने संविधान को अच्छा संविधान राष्ट्र निर्माण में सफल हुआ या नहीं हुआ मेरे दोस्तों हमारा संविधान दुनिया का सफलतम संविधान है चीन में पांच संविधान बदल दिए गए पाकिस्तान में कब बदल दिया जाए कोई भरोसा नहीं है एक देश है जहां संविधान लिखा ही नहीं गया तो ब्रिटेन में वहां बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता अमेरिका में पिछले तीन साल से अमेरिका में संविधान बदला नहीं गया और अमेरिका की आबादी आज भी पैतीस करोड़ पैतीस करोड़ इज इक्वल टू यूपी प्लस बिहार <laughs> अमेरिका भी हमारे सामने पनाह मांग लेता है कि भाई इतना बड़ा देश लेकर कैसे चलते हो हमने कहा सब आर्ट है जो तुमको नहीं बता सकते हम तुम लोग सोचो जो कहा करते थे संविधान नहीं चलेगा लोकतंत्र नहीं चलेगा और पहला इलेक्शन हुआ और महिलाएं गीत गाते हुए निकली गीत गाते जैसे कोई उत्सव हो रहा है लोग कहा भाई ये कौन सा सिद्धांत है रजनी कोठारी ने कहा जो तुम लोग नहीं समझ पाते वो हमारे यहाँ होता है बेकार की बात कर रहे थे क्योंकि आप याद रखिए हमारे यहाँ की स... यही दिक्कत है यूरोपियों की क्योंकि क्या है? हमारे संविधान नहीं चलेगा सुनील खिलनानी ने कहा है थर्ड बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड आप याद रखिए दोस्तों जिस देश में हम रहते हैं शायद उसी की वास्तविकता नहीं जानते अमेरिकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्रांति लोकतंत्र कहाँ हुई है इस देश में और हमारा संविधान सफलतम संविधान है अरे कुछ अपवादों के अलावा पचहत्तर साल में अभी अब आने वाले समय में एक तिहाई महिलाएं क्लास में नहीं संसद में होंगी बदला या नहीं बदला, बदला। चंपस चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे बदला या नहीं बदला, बदला। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा कौन मोहन यादव और इस देश की राष्ट्रपति न केवल महिला होगी बल्कि जनजाति समुदाय की महिला होगी ओ माई गॉड ये शासन का दस्तावेज है समाज के बदलने का दस्तावेज बच्चों कमाल की बात है लिखने के मद्दे है क्या लिखा आपने संप्रभुता क्या हाँ अब हेडिंग चेंज करिए विस्तृत संविधान हेडिंग चेंज करिए विस्तृत संविधान यही पीटी में फर्क पीटी में क्या देखते हैं कितने अनुच्छेद हैं भाग है अनुसूची है हम देखते हैं क्यों है मेंस का अप्रोच है क्यों है इतना लंबा क्यों है पीटी में क्या थ्री नाइनटी फाइव आर्टिकल है बस है हो गया वैसे आईएस में इतना बेसिक सवाल कभी नहीं पूछता है कि बच्चों बताओ थ्री फाइव आर्टिकल संविधान के इस भाग में क्या लिखा है इतनी बेसिक बातें नहीं पूछता वो लेकिन आप याद रखिए अच्छा हमारे यहाँ संविधान सक्सेसफुल कैसे हुआ ये तो कहानी हमने बताई ही नहीं इसकी बड़ी जबरदस्त घटना है अच्छा हमारा संविधान समाज कैसे पिछड़ा था जरा सोच के देखिए हमारे स... हमारे यहाँ जो राज्य हमने लाया अंग्रेजों के जमाने के जल ने बनाया था हाँ, ये सही बात है अच्छा कभी राष्ट्रपति भवन को जाके देखिए कभी राष्ट्रपति भवन को नहीं कभी मसूरी में जाइए जो आई को ट्रेनिंग जहाँ मिलती है उस इंस्टीट्यूट को देखिए देहरादून में जाइए आपको लगे कि यार इतने गरीब देश का ये संस्थान ऐसा है राष्ट्रपति भवन जाइए राष्ट्रपति भवन का आकार अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के आकार का ढाई गुना है और जो अमृत उद्यान बैठ जाएंगे को माय गॉड अब यहां से हटूंगा नहीं राष्ट्रपति भवन में चले जाइए तो आपको पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ बस्तर झारखंड उसके बाद गोंडा बलिया बहराइच जैसलमेर झालावाड़ ये सब भी है भारत ऐसा है दोस्तों इसलिए हमारा समाज कैसा था गरीब राज्य अंग्रेजों ने बनाया था हमारे यहाँ राज्य का निर्माण अंग्रेजों ने कर दिया था इसे पुलिस प्रशासन सेना ये सब तो अंग्रेज बना के गए थे राष्ट्रपति भवन इसलिए मामला है कि जब राष्ट्रपति भवन भी बना तो पहली बार राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालचार्य कहा गया महोदय अब आपके लिए ये है रात में सो रहे थे अचानक दौड़ते हुए भागे राष्ट्रपति भवन से ऐसा घटना है सुरक्षा गार्ड ने कहा सर सर क्या हुआ अरे उनका बहुत डर लग रहा है यहाँ से ले चलो मुझे उन्होंने कहा सर हम यहाँ पे हैं आप उन्होंने कहा अरे डर किसी और से नहीं इसकी भव्यता से लग रहा है सुंदरता से डर लग रहा है और उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद आज भी राष्ट्रपति भवन में छोटा सा कमरा भी बना हुआ है उसी छोटे कमरे में रहते थे उन्हें कहते थे इन्हें अंग्रेजों के लिए ठीक था जिस देश के निवासी इतनी गरीबी में रह रहे हो भुखमरी में रह रहे हो उसके देश का मुखिया ऐसे भव्य महल में रहे ये बात ठीक नहीं है ये विजन था दोस्तों ये भावना थी हमारे संविधान माताओं की इतनी महान इतनी पवित्र इच्छा थी उनकी वो भारत के लिए देना क्या चाहते थे और यह आज की पीढ़ी को सीखने वाली बात है आज कोई मुख्यमंत्री बन जाता है सोचता है कि फिर फाइव स्टार होटल जैसे रहे हम शशि थरूर आए थे दिल्ली में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो घर था उसमें रहे नहीं वो होटल में टिके हुए थे अरे तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आवास में आ जाओ उनकी सुविधाएं वहाँ उतनी अच्छी नहीं है थोड़ा भारत बदल भी रहा है ऐसे लोग भारत में थे इसलिए संविधान निर्माताओं की इच्छा कैसी थी एक एक आंखों से, से एक एक आंसू पूछ देना एक एक आंखों से एक एक आंसू पूछ देना कैसे पूछ दिया जाए लिख लो बच्चों क्या लिखा आपने विस्तृत संविधान अच्छा कुछ बच्चों ने थिंकर उंकर का सवाल पूछा है तो मेरे बच्चों अगर कोई मान लो कोई थिंकर का सवाल पूछना हो तो ऑफिस में मान लो अब हमने इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स शुरू कर दिया अब किसी के दिमाग में थिंकर भी चल रहा है तो क्लास के बाद भी आके पूछ सकता है नहीं फिर अब थिंकर थियरी सब एक ही साथ पढ़ेंगे तो हौच पॉच हो नहीं होगा अभी हम संविधान की तरफ आगे बढ़ गए हैं कहाँ बढ़ गए हैं अब हम भारत का निर्माण करना चाहे थिंकर उंकर छोड़ो अच्छा ये अच्छा एक बात आपको बता दें बहुत काम की बात आपको बता दें मैं आजकल हो क्या रहा है प्लेटो लोग पढ़ रहे हैं बीस दिन 20 दिन प्लेटो पढ़ के प्लेटो में कुछ मिलेगा नहीं मेंटल बीमारी के अलावा प्लेटो जैसा ना विवाह होगा न शासन मिलेगा <laughs> ये बड़ा दुर्भाग्य है देखो ये सब क्या बताया उससे बात नहीं करना चाहता तो बाजार के दाव है बच्चों को फंसाने का एक तरीका है वो लगता है बहुत क्या मतलब उसमें देखो मेरी नकारात्मक में दूसरे के देखने के बाद नकारात्मक बात करने में राहद कम है क्योंकि भाई मैं अपनी खामियां देख लू तब तो लेकिन जब मैं बच्चों से मिलता हूँ बच्चे बताते हैं मैं दंग रह जाता हूँ अगर आई परीक्षा पास करनी है तो संविधान वाले पार्ट को फॉरन पॉलिसी को ज़्यादा समय देना यही क्रक्स है अप्लीकेशन आप में होना चाहिए जी एस अपने आप में आपके हाथ में होगा प्लेटो पढ़े जा रहे हो बीस दिन प्लेटो पढ़े क्या करोगे बीस दिन प्लेटो को मिला क्या जीरो बटालुल <laughs> क्या प्लेटों को मिला अरे प्लेटो दो दिन में दो दिन भी उसके लिए देना जरूरत से ज़्यादा है प्लेटो पढ़ रहे हैं दुनिया बदल गई

और जो इंजीनियर क्या है उसको लगता है यार ये प्लेटो तो बड़ा बेकार है ये आईजीपी एकदम तो जीएस जैसा है जीएस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ये छह छह महीने में एग्जाम क्रैक कर जा रहा है और बाकी प्लेटो पर अनुसंधान चल रहा है ऐसी <laughs> गलतियां पर क्या बताऊं बच्चों ठीक है सब चलता है सही क्या है गलत क्या है कई बार यही मिट जाता है जब एक बार मिट जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर भी लिख लो बच्चा क्या लिखा आपने तो हमें फोकस कहाँ करना है आप ये क्रक्स याद रखिएगा सिलेक्शन का दोनों के सेकंड पार्ट पर क्रक्स सेकंड पार्ट में है और सेकंड पार्ट आपने जान लिया पूर क्योंकि पूरा हमारा एग्जामिनर कहाँ जा रहा है अप्लीकेशन पर जा रहा है वो आपसे ये नहीं समझना चाहता आपने कितनी ये रटी हुई है आप वर्तमान समस्या के समाधान के पास है तो यू आर फिट पर्सन बाकी किताबें बात तो बहुत लोगों ने रट रखी है क्या लिखा आपने पहला पॉइंट किसी ने कहा तार्किक संविधान की सर्वोच्चता है और केवल संविधान की में अंतर है ये मेरे बच्चे किसने पूछा है तार्किक संविधान क्या होता है यार संविधान तार्किक ही होता है मतलब ऐसा तो आप नहीं कहना चाहते क्या तानाशाहों का संविधान अतार्किक तार्किक संविधान ऐसा शब्द लोग नहीं यूज करते किसने तो पूछा हो तो बताइए किस कॉन्टेक्ट में पूछ रहे हैं लिख लीजिए आगे क्या लिखे क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट ब्रिटेन में पहला पॉइंट ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है जबकि अमेरिकी संविधान केवल सात अनुच्छेदों में लिखा गया है ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, जबकि अमेरिकी संविधान केवल सात अनुच्छेदों में लिखा गया है अमेरिकी संविधान केवल सात अनुच्छेदों में लिखा गया है जबकि भारत के मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचिया एट शेड्यूल भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचिया तथा 395 नाइन्टी फाइव अनुच्छेद जोड़े गए आठ अनुसूचिया था 395 नाइनटी फाइव तीन सौ अनुच्छेद जोड़े गए क्योंकि क्योंकि यूरोप और अमेरिका क्योंकि यूरोप और अमेरिका औद्योगिक और, और विकसित थे क्योंकि यूरोप और अमेरिका औद्योगिक और विकसित थे जबकि भारत ग्रामीण समाज कृषि आधारित भारत ग्रामीण समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र था भारत ग्रामीण समाज और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य था जहाँ समाज में जाति धर्म का विभाजन भी बना हुआ था ग्रामीण समाज किस अर्थव्यवस्था वाला राज्य था जहाँ समाज में जाति और धर्म का विभाजन भी विद्यमान था जहाँ समाज में जाति और धर्म का विभाजन भी विद्यमान था अब देखिए इसी को अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से कहा है बात को ऐसे में यूरोप में पहले समाज लोकतांत्रिक हुआ उसके बाद शासन लोकतांत्रिक हुआ ब्रिटेन का एग्जाम्पल आप देखेंगे ब्रिटेन में धीरे धीरे मतदान का अधिकार मिला हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 1935 के समय तक लगभग मैक्सिमम चौदह परसेंट लोगों को मतदान का अधिकार था आज़ादी के बाद हमने इकट्ठे हंड्रेड परसेंट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दे दिया ब्रिटेन में एक व्यक्ति एक मत का विचार लगने के लिए उन्नीस तक वेट करना पड़ा ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला नाइनटीन में और उसके पहले तो ब्रिटेन में अमीर पढ़े लिखे लोगों को एक से ज्यादा मत था चार मत था पाँच मत था एक व्यक्ति एक मत का विचार ब्रिटेन जैसे देश में आने में 1949 लगा हमने इकट्ठे सबको वोटिंग राइट दे दिया अब इसका मतलब है अब आप याद रखिए अगर हम अमेरिका और ब्रिटेन कंपेरिजन करें एक का सामान्य सी कहावत है पहले घोड़ा होगा या पहले गाड़ी होगा पहले घोड़ा होगा इसका मतलब है दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी आई मैं तानाशाही की बात नहीं कर रहा हूं उनका पहला तरीका क्या था कि वहां लोकतंत्र वहां पे समाज में पहला चेंज आया लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो गए गरीबी दूर हुई विषमता दूर हुई और फिर रोजगार आया उद्योग आया शहर आए यानी पूंजी बात आए यही तो बैरिंग्टन बोर्ड ने कहा है हमारे यहाँ तो राज्य लोकतांत्रिक हो गया समाज और अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं थी हमारे पूरा मामला उल्टा था मैं राज्य लोकतांत्रिक हो गया और राज्य लोकतांत्रिक हो गया इसका मतलब क्या है अब मैं अपने वित्त मंत्री का चयन करूंगा मैं प्रधानमंत्री का चयन अब आम जनता करेगी लेकिन अपने पति और पत्नी का नहीं यही यही लोकतंत्र हमारे आया आप लोग हंस रहे हो तो आपको परमिशन आज भी नहीं है इसे जो करना हो दिल्ली में कर लेना घर जाने कोशिश मत करना <laughs> अरे मेरे बच्चों ऐसा समाज हमारा है कमाल की बात है यार इसलिए एक बात याद रखो हमारे यहाँ समाज और राज्य के बीच बड़ा फासला गया समाज राज्य के बीच फासला ऐसा था आपने 1975 की बस्टर हिट मूवी शोले देखी हो शोले में जब धर्मेंद्र टंकी से कूदने का प्रयास कर रहा था मैं सुसाइड 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 तो गांव क्यों कर रहा है <laughs> मतलब बड़े क्लिसिकल कोई डायरेक्टर समाज के अंतर कैसे दिखाना चाहता है तो गांव वाल भाई जब अंग्रेजी मरने जाते हैं तो सुसाइड सुसाइड करते हैं फिर कहते हैं गुड बाय गुड बाय तो क्या ये गुड बाय क्या होता है उनका जब अंग्रेज कहीं जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं लेकिन जाति कहाँ है भाई ये इतना भोला भाला कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन वहाँ तक नहीं आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह ये बगल में आपका बागपत के इसका दावर नेता देश आज़ाद हुआ और लोकसभा का चुनाव आ गया फिफ्टी में और पहला जो यहीं पर रैली थी आपके बागपत में नेहरू जी गए और नेहरू जी ने भाषण नेहरू जी विदेशों से पढ़े थे नेहरू जी भारत को नहीं जानते थे नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है एन अनोन इंडियन गांधी ने कहा था नेहरू यूर स्टिल स्ट्रेंजर टू इंडिया मैं देखिए ने, इसमें नेहरू कोई दोस्त नहीं था नेहरू बहुत अच्छे व्यक्ति थे दूरदर्शी थे लेकिन वो गरीब परिवार में थोड़े पैदा थे भाई उनके पिता इतने बड़े लॉयर थे विदेश में पढ़ के आए तो नेहरू को नेहरू का तो उसमें आनंद भवन आज आप देख लीजिए प्रयागराज में तो अब दंग रह जाएंगे भाई मोतीलाल नेहरू का इतना बड़ा बंगला था तो वो व्यक्ति भारत के आम लोगों का दुख दर्द कैसे समझ पाता आम लोग लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे इसलिए बागपत में बागपत में सभा हुई और नेहरू ने कहना शुरू किया भाई और बहनों हमने भारत को लोकतांत्रिक देश बना दिया है अब ये देश संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक होगा अब ताऊ खुज ला रहा सरगा के कहे भाई के कहा भाई कहो क्या रहा है आप सोचिए जनता ऐसी थी उसको क्या पता यार आज लोकतांत्रिक गणतांत्रिक ये तो विद्वानों की बातें हो गई ना कम्युनिकेट आप कैसे करना पड़ेगा आम जनता सहज चौधरी चरण सिंह समझ गए चौधरी साहब ने कहा नेहरू जी आप थोड़ा बैठिए मैं जनता को बताता हूं प्रॉब्लम कह रू प्रॉब्लम सब आप अच्छी बात बोल रहे हैं बस जनता समझ नहीं पा रही है चौधरी चरण सिंह ने कहा भाइयों और बहनों इस देश में लोकतंत्र आ गया है जनता फिर शांत लोकतंत्र आ गया इसका मतलब क्या है चौधरी चरण सिंह ने कहा मैं समझ रहा हूँ आप लोग नहीं समझ रहे हो लेकिन अब सुनो ये बात जानते हो अब देखिए यहां में शब्द का प्रयोग अन्यथा मत लीजिएगा का हम कास्ट का प्रयोग कई बार करते हैं उनका तो जाट की बेटी जनता से आवाज है जाट को का जाट का वोट का जनता जाट को का यही लोकतंत्र है बस आप समझ गए लोकतंत्र का मतलब समझ गए न संप्रभुता न समाजवाद न एक व्यक्ति एक इसका मतलब है ये वोट है या सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है ये वोट है या राजनीतिक समानता की सीढ़ी है ये वोट है भारत में लोकतंत्र का आगाज है ये वोट की राइट आपके वोट में कितनी शक्ति है और मेरे बच्चों में तो हर क्लास में कहता हूं खास कोई बच्चा मेरा राष्ट्रपति बनता ये मजाक की बात मैं थोड़ी कर रहा हूं आपको लग सकती है आपको लग सक लेकिन आपको कहा सर राष्ट्रपति यहां तो मैं सिविल सेवक ही बन जाता इतना बहुत है ये किसी को नहीं पता कौन बनता है क्योंकि लोकतंत्र में ये बताओ राष्ट्रपति बनने के लिए कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या सी सेट क्वालिफाई थोड़ी करना है उसमें न सी सेट न रीजनिंग बस केवल उम्र होनी चाहिए पैंतीस साल दो, दो चार दस साल में हो ही जाएगी और लाभ का पद नहीं होना चाहिए वो कभी मिला ही नहीं आज तक लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए ये बताइए मेरे किन बच्चे में उम्र के अलावा योग्यता नहीं है इसलिए ये संविधान है इसलिए शासक का बेटक शासक नहीं होगा राजा महाराजा के दरवाजे सदा के लिए लाल किला उजड़ गया अब लाल किले में हम जाते हैं और महाराज अकबर के शासन में बैठकर ऐसे ऐसे दिल बनाकर तीर मार के आते हैं महेश गुड्डी कमाल की बात हो गई यार लोकतंत्र का आगाज हुआ और कैसे आगाज हुआ संविधान से एन वो माई गॉड क्या तरीका ये देखो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन ह्यूमन में क्या होता है विषय में किसी को फील करिए आप बोला कितनी सामान्य सी घटना है, है। लोकतंत्र आ गया मतलब ऐसे हम और ऐसे बच्चे पढ़ते हैं भारत में लोकतंत्र उन्नीस सौ सैतालीस में उसके बाद ये हुआ कौन सा तरीका है यार पढ़ोगे फील करोगे कैसे देखे। लिख लो बच्चों क्या कैसे आज के लिए इतना ही बाकी कल कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं